आज की सभा में उपस्थित बुलांगीर नगर के सम्माननीय नागरिक बंधु, मेरे साथ मंच पर उपस्थित मेरे सहयोगी श्री कैलाश भाई, आज की सभा के सभापति, मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ कि आप यहाँ उपस्थित हैं, मुझे आपसे संवाद करने का, कुछ बात करने का समय मिल रहा है। आप सभी से इस बात के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि बहुत अच्छे से उड़िया भाषा नहीं बोल पाता, इसलिए हिंदी में बात करता हूँ। मेरी हिंदी सरल आसान होगी, आपको समझ में आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। भारत देश की कथा कहने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। हमारा भारत देश पिछले कुछ वर्षों से बहुत गंभीर समस्याओं में फंस गया है, और हमारे देश की जो समस्याएं हैं उनका समाधान अगर हमने नहीं किया तो आने वाले समय में यह देश फिर से विदेशी शक्तियों का गुलाम हो सकता है, ऐसी संभावना पूरी तरह से स्पष्ट हो रही है। हमारा देश जिन गंभीर समस्याओं में फंसा हुआ है उनका समाधान हम सभी नागरिक कर सकते हैं, ऐसा मुझे बार बार विश्वास होता है। पिछले 10-12-15 वर्षों से भारत की समस्याओं के बारे में कई गंभीर अभ्यास करने के बाद मुझे यह निष्कर्ष निकालने में आसानी हुई है कि भारत की सभी समस्याओं का समाधान भारतीय नागरिक मिलकर कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का यह है कि हमारे भारत की किसी भी एक समस्या का समाधान सरकार नहीं कर सकती, कोई राजकीय दल, कोई भी राजकीय पक्ष, कोई भी राजकीय पार्टी इस देश की किसी भी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकते। पिछले आजादी के लगभग 59 वर्षों में हमारे देश में सभी राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का अवकाश मिला, समय मिला, लेकिन हमारे देश की समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती चली गई। गरीबी भयंकर इस देश में एक समस्या के रूप में आई है, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, महंगाई उससे भी बड़ी समस्या है, गरीबी की स्थिति हमारे भारत में इतनी खराब है कि जब भी 107 करोड़ की आबादी वाला भारत देश, इसमें 44 करोड़ नागरिक भयंकर गरीबी में रहते हैं। 44 करोड़ नागरिकों को दो समय खाने के लिए अन्न उपलब्ध नहीं होता है। 44 करोड़ नागरिकों की आमदनी के बारे में एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देता हूं, वो ये कि भारत में 15 करोड़ नागरिक इतने गरीब हैं जिनको एक दिन में खर्च करने के लिए 5 रुपया उपलब्ध नहीं होता है। 10 करोड़ नागरिकों की गरीबी इतनी अधिक है कि उनको एक दिन में खर्च करने के लिए 1 रुपये उपलब्ध नहीं हो पाते, और 5 करोड़ नागरिक तो बेरोजगारी की स्थिति है। मात्र भारत में सरकारी काम करने वाले, सरकारी नौकरी करने वाले जो कर्मचारी हैं, जैसे भारत की सेना में काम करते हैं, भारत की राज्य की पुलिस में काम करते हैं, भारत के टेलीकम्युनिकेशन विभाग में काम करते हैं, रेलवे में, पोस्ट में, भारत के अनेक अनेक सरकारी विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों की जो आबादी है, जो परिवार है, वो लगभग 4.5 से 5 करोड़ है। माने 4.5 से 5 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनको पूरे वर्ष में कोई ना कोई काम है, रोजगार है, बाकी हमारे भारत देश में भयंकर बेरोजगारी की स्थिति है। गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई इतनी अधिक है इस देश में जिसकी कोई कल्पना आप करना चाहे तो आज से लगभग 15 वर्ष पहले 1 लीटर पेट्रोल आप खरीदें बाजार में तो लगभग 3 से 3.25 रुपए का मिलता था, आज वही 1 लीटर पेट्रोल 50 रुपए का मिलता है। 15 वर्ष पहले 1 लीटर डीजल खरीदें तो लगभग 2 रुपए के आसपास मिलता था, आज वही 1 लीटर डीजल 38 रुपए का मिलता है। हमारे भारत में आज से 10 से 15 वर्ष पहले नमक जैसी वस्तु 15 से 20 पैसे किलो में मिलती थी, आज नमक की कीमत 7 रुपए किलो हो चुकी है।
15 वर्ष पहले वस्तुओं की जो कीमतें होती थी आज उसमें 1000% से ज्यादा का बढ़ोतरी हुआ है। महंगाई इतनी तेजी से इस देश में बढ़ी है, सभी वस्तुओं की कीमतें दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही हैं। महंगाई बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, फिर भी हमारे देश की सरकारें कहती हैं कि हमारा विकास हो रहा है। अभी समझने की बात यह है कि ये वास्तव में विकास हो रहा है या भारत विनाश की ओर जा रहा है। पिछले कई वर्षों से मैं भारत देश की इन्हीं समस्याओं पर अभ्यास करने का प्रयास कर रहा हूं कि आखिर महंगाई क्यों बढ़ रही है, गरीबी क्यों बढ़ रही है, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, क्यों हमारे समाज में इतनी ज्यादा असुरक्षा बढ़ रही है, क्यों हमारे समाज में इतनी ज्यादा वैमनस्यता बढ़ रही है और क्यों हमारे समाज में इतनी गैर बराबरी बढ़ रही है। इन सब समस्याओं पर अध्ययन करते समय मैं भारत देश के बहुत सारे विशेषज्ञों से मिलता रहता हूं और उनसे भी पूछता हूं कि आप बताइए भारत में गरीबी बेरोजगारी बढ़ने का कारण क्या है। तो सभी लोग मुझे एक उत्तर देते हैं, वो ये कहते हैं कि भारत में गरीबी और बेरोजगारी इसलिए अधिक है क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ रही है, पॉपुलेशन बहुत अधिक हो गई है, भारत की लोक संख्या बहुत अधिक हो गई है। तो मैंने ये जानने की कोशिश की कि भारत की लोक संख्या अधिक होने से भारत की गरीबी और बेरोजगारी का क्या संबंध है। ये समझने के लिए मैंने बहुत सारे दस्तावेज, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स एकत्रित किए और उनका अभ्यास करना शुरू किया, तो बात जो समझ में आई वो कुछ और है। बात ऐसी है कि जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की 250 वर्षों की गुलामी के बाद, तो उस समय हमारी जनसंख्या 34 करोड़ थी और उस समय भारत में गरीबों की संख्या लगभग 4 करोड़ थी। जब भारत की लोक संख्या जनसंख्या 34 करोड़ थी तब भारत में गरीबों की संख्या लगभग 4 करोड़ थी। अब भारत की जनसंख्या 160 करोड़ हो गई, अर्थात भारतीय जनसंख्या 3 गुनी बढ़ गई, लगभग 3 से 3.5 गुनी बढ़ गई। तो गरीबों की संख्या भी 3 से 3.5 गुनी बढ़ जानी चाहिए, अर्थात अभी गरीबों की संख्या 12 करोड़ होनी चाहिए अगर 107 करोड़ भारतीय नागरिक हैं तो। लेकिन सरकार के आंकड़े बताते हैं कि गरीबों की संख्या 44 करोड़ है जबकि भारत की संख्या, भारत के लोगों की संख्या 107 करोड़ है। अगर गणित का सीधा सीधा सा कैलकुलेशन करें, मैथमेटिकली कैलकुलेट करें, तो बात ये समझ में आती है कि हमारी जनसंख्या 34 करोड़ से 107 करोड़ हुई, इसका माने जनसंख्या में 3 से 3.5 गुना वृद्धि हुई, और दूसरे शब्दों में कहें तो 300 से 350% वृद्धि हुई। तो गरीबों की संख्या में 4 करोड़ से 44 करोड़ की जो वृद्धि है वो तो 11 गुनी हो गई, माने 1100% हो गई। जनसंख्या बढ़ी है 350% और गरीबी बढ़ गई 1100%। जनसंख्या बढ़ गई 3 गुनी, गरीबी बढ़ गई 11 गुनी। तो इसका अर्थ यह है कि जनसंख्या और गरीबी का कोई संबंध दिखाई नहीं देता, कोई संबंध नहीं दिखाई देता। गणित का सूत्र जनसंख्या बढ़ने के लिए जो है वही गरीबी बढ़ने के लिए होना चाहिए। अगर जनसंख्या 3 गुनी बढ़ी है तो गरीबी 3 गुनी बढ़नी चाहिए, लेकिन गरीबी तो 12 गुनी बढ़ चुकी है, 11 गुनी बढ़ चुकी है। बेरोजगारी का अगर समझने की कोशिश करें तो 15 अगस्त 1947 को भारत देश जब आजाद हुआ अंग्रेजों की 250 वर्षों की गुलामी से, तो 2 करोड़ लोग बेरोजगार थे इस देश में। आज इस देश में 20 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। 10% बढ़ी है लेकिन बेरोजगारी तो 1000% बढ़ी है। तो जनसंख्या तो बहुत कम बढ़ती है, बेरोजगारी उससे ज्यादा बढ़ती है। जनसंख्या तो बहुत कम बढ़ती है, गरीबी उससे भी ज्यादा बढ़ती है, इसका कारण क्या है? ये बात मैंने बहुत सारे अर्थशास्त्रियों को कही कि अगर हमारे देश में जनसंख्या बढ़ने से गरीबी बढ़ती है
तो जितनी जनसंख्या बढ़ी उतनी गरीबी बढ़नी चाहिए, लेकिन जनसंख्या से तीन गुनी ज्यादा गरीबी बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ोतरी से तीन गुनी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है। ये कैसे हो रहा है हमारे देश में? तभी वो सारे के सारे अर्थशास्त्री चुप हो जाते हैं और वो कहते हैं कि शायद अर्थशास्त्र का ये सिद्धांत गलत होता है। भारत देश में एक अंतरराष्ट्रीय यूरोप में अर्थशास्त्री होता था 17वीं शताब्दी में, उसका नाम था जेके माल्थस। उसने एक सिद्धांत बनाया कि जो देश में जनसंख्या बढ़ती है उसी देश में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती है। उसी सिद्धांत को भारत के सभी राजनेता, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, उड़ीसा के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जितने भी नेता इस देश में हैं, उसी जेके माल्थस के सिद्धांत को भारत के लोगों के ऊपर आरोप के रूप में लगाते रहते हैं कि चूंकि भारतवासी जनसंख्या बढ़ाते रहते हैं इसलिए ये गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती है। फिर मैं इन्हीं नेताओं से जब बात करता हूं कि अच्छा ठीक है, भारत की जनसंख्या बढ़ती है तो गरीबी बढ़ गई, भारत की जनसंख्या बढ़ी है तो बेरोजगारी बढ़ गई, तो ये सिद्धांत दुनिया के सभी देशों पे लागू होना चाहिए। अगर ये भारत पर लागू होता है तो सभी देशों पे लागू होना चाहिए। तो उदाहरण के लिए अमेरिका की आबादी पिछले 50 साल में कितनी बढ़ी है उसका मैंने जानने की कोशिश की, तो पता चला कि आज से 50 साल पहले अमेरिका की जो आबादी थी वो लगभग 4 से 4.5 करोड़ थी। इस समय सन 2006 में अमेरिका की आबादी 27 करोड़ हो चुकी है। इसका मतलब ये हुआ है कि अमेरिका की आबादी 5 गुनी बढ़ी है, 4.5 करोड़ से अभी 27 करोड़ हो गई, लगभग 5 गुनी अमेरिका की आबादी बढ़ी है। तो अमेरिका में गरीबी कम से कम 5 गुनी बढ़नी चाहिए और भारत के सूत्र को अगर अपना है तो अमेरिका में बेरोजगारी और गरीबी 10 से 15 गुनी अधिक होनी चाहिए। लेकिन अमेरिका की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करें तो पता चला कि पिछले 50 साल में अमेरिका की आबादी 5 गुनी बढ़ी है और अमेरिका की अमीरी 1000 गुनी बढ़ गई है। आज से 50 साल पहले अमेरिका में सबसे गरीब आदमी की जो एक वर्ष की आमदनी होती थी वो $50 मानी जाती थी। आज अमेरिका में सबसे गरीब आदमी की एक वर्ष की आमदनी $50,000 है। 50 साल पहले अमेरिका का सबसे गरीब आदमी $50 एक वर्ष में कमाता था। अब सन 2006 में अमेरिका का एक आदमी सबसे गरीब एक साल में $50,000 पाता है। तो अमेरिका में आबादी बढ़ने से अमीरी बढ़ती है, तो भारत में आबादी बढ़ने से गरीबी क्यों बढ़नी चाहिए? और अमेरिका जैसा ही एक दूसरा देश है, उसका नाम है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की आबादी पिछले 50 साल में लगभग 10 गुनी बढ़ी है। आज से 50 वर्ष पूर्व स्विट्जरलैंड में लगभग 4.5 से 5 लाख लोग रहते थे, अब स्विट्जरलैंड की जो जनसंख्या है वो 65 से 70 लाख हो गई है, माने लगभग 12 से 13 गुनी उनकी जनसंख्या बढ़ी है। लेकिन स्विट्जरलैंड की अमीरी पिछले 50 साल में 10,000 गुनी बढ़ी है। अमेरिका में अमीरी बढ़ रही है, स्विट्जरलैंड में अमीरी बढ़ रही है, डेनमार्क अमीर हो रहा है, स्वीडन अमीर हो रहा है, फ्रांस अमीर हो गया, ब्रिटेन में इतनी अमीरी बढ़ी है पिछले 50 साल में कि ब्रिटेन के सबसे गरीब आदमी की 50 साल पहले की इनकम 50 स्टर्लिंग पाउंड थी, अब ब्रिटेन के सबसे गरीब आदमी की आज की सन 2000 की इनकम 60 से 65 हजार स्टर्लिंग पाउंड एक साल की है। तो ब्रिटेन अमीर हो गया, फ्रांस अमीर हो गया, अमेरिका अमीर हो गया, डेनमार्क अमीर हो गया, जबकि इन सभी देशों की जनसंख्या बढ़ी है। तो भारत में जनसंख्या बढ़ने से गरीबी कैसे आ गई? अगर फ्रांस की जनसंख्या बढ़ती है तो फ्रांस अमीर होता है, ब्रिटेन की जनसंख्या बढ़ती है तो ब्रिटेन अमीर होता है, अमेरिका की जनसंख्या बढ़ती है तो अमेरिका अमीर होता है। तो भारत की जनसंख्या बढ़ने से भारत अमीर क्यों नहीं होना चाहिए? भारत क्यों गरीब होना चाहिए, क्यों बेरोजगारी का देश होना चाहिए?
ये प्रश्न जब मैं भारत के सभी नेताओं से पूछता हूं तो वो कोई उत्तर नहीं देते। वर्तमान में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, जिनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये बहुत समय तक भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं, लगभग 5 वर्षों तक, सन 1991 से लेकर 1996 तक। उस समय जब ये वित्त मंत्री थे तब यही प्रश्न मैंने इनको पूछा कि अगर आप ये मानते हैं कि जनसंख्या बढ़ने से गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती है, तो यूरोप और अमेरिका के जो दोस्त देश हैं उनकी जनसंख्या तो बहुत बड़ी है 50 साल में, उनके यहाँ गरीबी क्यों नहीं बढ़ती, उनके यहाँ बेरोजगारी क्यों नहीं बढ़ती, उनके यहाँ भुखमरी क्यों नहीं होती, अमेरिका के किसी भी न्यूज़पेपर में ऐसी न्यूज क्यों नहीं आती कि अमेरिका में हर साल किसान भूख से मरते हैं, आत्महत्या करते हैं, ब्रिटेन के न्यूज़पेपर में ऐसी खबरें क्यों नहीं आती, फ्रांस में ऐसा क्यों नहीं होता, जर्मनी में ऐसा क्यों नहीं होता, स्विट्जरलैंड में क्यों नहीं होता। अगर ये सिद्धांत जेके मालथस नाम के अर्थशास्त्री का भारत के ऊपर सही साबित होता है तो यही सिद्धांत अमेरिका पर सही होना चाहिए, और अगर अमेरिका पर सिद्धांत अलग है और भारत पर अलग है तो वो सिद्धांत ही गलत है, उसको मानना क्यों चाहिए, उसको हटा देना चाहिए, वो सिद्धांत ही गलत है। जब इस तरह के प्रश्न मैंने हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री और भूतपूर्व वित्त मंत्री मनमोहन सिंह से किए, इसी तरह का प्रश्न एक बार मैंने भारत के भूतपूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा से किया, इसी तरह का प्रश्न मैंने भूतपूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को किया, इसी तरह के प्रश्न भूतपूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा, भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल, भूतपूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह चंद्रशेखर, सबको किया, लेकिन उनमें से कोई भी उत्तर नहीं दिया। एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने ईमानदारी से कहा कि देखो, भारत की गरीबी और बेरोजगारी बढ़ने का कारण जनसंख्या नहीं है, क्योंकि अगर जनसंख्या गरीबी और बेरोजगारी का कारण होती तो दुनिया का सबसे गरीब देश इस समय चीन होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या चीन की है। चीन में इस समय 148 करोड़ लोग रहते हैं और दुनिया का सबसे गरीब देश चीन को होना चाहिए, लेकिन अर्थव्यवस्था के सूचकांकों के अनुसार इस समय दुनिया में सबसे अमीर देशों में चीन का स्थान दूसरा है। दुनिया में सबसे अमीर देश इस समय पहले स्थान पर माना जाता है, वो है स्विट्जरलैंड, और दूसरा सबसे अमीर देश अब दुनिया में माना जाता है वो है चीन, और तीसरा सबसे अमीर देश दुनिया में माना जाता है वो अमेरिका, चौथा सबसे अमीर देश दुनिया में माना जाता है कनाडा, पांचवा सबसे अमीर देश दुनिया में है फ्रांस, फिर है ब्रिटेन, फिर है डेनमार्क, फिर है नॉर्वे, फिर है जर्मनी। ये सभी अमीर देश हैं और इन अमीर देशों की सूची में चीन का स्थान दूसरा है, जबकि चीन की जनसंख्या दुनिया में सबसे अधिक है, 148 करोड़। तो अगर जनसंख्या बढ़ने से गरीबी बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ने से बेरोजगारी बढ़ती है, तो चीन दुनिया का सबसे गरीब देश होना चाहिए, सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला देश होना चाहिए, लेकिन अर्थव्यवस्था के सूचकांक बताते हैं कि चीन तो दुनिया में अमीर देशों में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश बन गया है। तो चीन में क्यों नहीं होता ऐसा, वहां तो जनसंख्या बढ़ती है तो गरीबी क्यों नहीं बढ़ती, भारत में ही ऐसा क्यों है? ये गंभीर प्रश्नों पर पिछले कई वर्षों से मैं अभ्यास करता हूं, चिंतन करता हूं, मनन करता हूं, तो जानकारी जो मिली है वो कुछ दूसरी है। भारत की गरीबी, भारत की बेरोजगारी, भारत की महंगाई का जनसंख्या के साथ कोई संबंध नहीं है। भारत की गरीबी, भारत की बेरोजगारी और भारत की महंगाई का संबंध अगर है तो हमारे देश के भ्रष्टाचारी नेताओं के साथ है, हमारे देश की भ्रष्टाचारी पार्टियों के साथ है, हमारे देश के भ्रष्टाचारी शासन व्यवस्था के साथ है। हमारी पूरी की पूरी शासन व्यवस्था भ्रष्ट है, हमारी राजनीतिक पार्टियां महाभ्रष्ट हैं, और हमारे नेता महा महा महिम भ्रष्ट हैं। ये हमारी गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी का कारण है। आप बोलेंगे कैसे, मैं आपको सीधी सीधी सच्ची सच्ची कुछ बातें समझाता हूं।
कि अगर हमारे नेता भ्रष्ट नहीं होते, हमारी शासन व्यवस्था भ्रष्ट नहीं होती, हमारे देश की ये प्रशासन व्यवस्था भ्रष्ट नहीं होती, तो भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में पहले स्थान पर होना चाहिए। जो इस समय भारत दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिनती में आता है, हमारी शासन व्यवस्था के भ्रष्टाचार का नमूना है कि हमारा देश गरीब है। एक उदाहरण से समझाता हूं। हमारे भारत देश में प्रतिवर्ष नागरिक सरकार को टैक्स भरते हैं। आप सभी नागरिक अपने जीवन में जितनी भी आमदनी कमाते हैं, उस आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में आप देते हैं। हमारे भारत के नागरिक दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले नागरिक हैं। दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं का मैंने अभ्यास किया है तो पता चला कि भारतीय नागरिकों पर सबसे ज्यादा टैक्स लिया जाता है। भारत के नागरिक दो तरह से टैक्स सरकार को देते हैं। एक तो टैक्स होता है जिसको कहते हैं प्रत्यक्ष, डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। ये प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं? डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है सरकार सीधे आपकी जेब से पैसा निकाले टैक्स के नाम पर, वो डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स ये होता है कि सरकार आपकी जेब से पैसा नहीं निकाले, बल्कि सरकार ने बनाए हुए बहुत सारे डिपार्टमेंट आपकी जेब से पैसा निकाले, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। सरल भाषा में कहूं तो इनकम टैक्स अगर आप देते हैं सरकार को तो ये डायरेक्ट टैक्स है, आयकर। कॉर्पोरेट टैक्स अगर आप भरते हैं तो ये डायरेक्ट टैक्स है। और इनके अलावा जितने भी टैक्स आप भरते हैं, जैसे सेल्स टैक्स है, रोड टैक्स है, ट्रांसपोर्टेशन का टैक्स है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का टैक्स है, एग्जिट टैक्स है, एंट्री टैक्स है, स्टाम्प ड्यूटी है, हाउस टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, ये सारे के सारे टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है। एक दिन मैंने सूची बनाई कि भारतीय नागरिकों पर कुल कितने टैक्स लगते हैं, तो भारत सरकार के लेकर और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तक भारतीय नागरिकों के ऊपर 63 तरह के टैक्स लगते हैं, 63 टैक्सेस। केंद्र सरकार के जो टैक्सेस हैं वो क्या क्या हैं? कस्टम ड्यूटी 1, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 2, सेंट्रल सेल्स टैक्स 3, फिर उसके बाद सर्विस टैक्स 4, फिर इनकम टैक्स 5, फिर कॉरपोरेट टैक्स 6, फिर वेल्थ टैक्स 7, ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट के 13 टैक्सेस हैं। फिर उसके बाद राज्य सरकार के, तो राज्य सरकार के जो सबसे पहला टैक्स है स्टेट एक्साइज ड्यूटी, फिर स्टेट सेल्स टैक्स, फिर रोड टैक्स, फिर टोल टैक्स, फिर कॉरपोरेशन टैक्स, फिर एग्जिट टैक्स, फिर एंट्री टैक्स, हाउस टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, राज्य सरकार के 23 टैक्स हैं। फिर उसके बाद ग्राम पंचायत है या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसके टैक्स। तो तीनों मिलाकर 63 तरह के टैक्स आप सभी नागरिक प्रतिवर्ष सरकार को देते हैं। मैंने उसका एक दिन हिसाब जोड़ा कि भारत के नागरिक ये जो टैक्स देते हैं उसकी रकम कितनी है, धनराशि कितनी है। तो उसका आंकड़ा ये है, पिछले साल का सन 2005 में भारत के नागरिकों ने भारत की सरकारों को 7,50,000 करोड़ रुपए का टैक्स दिया। 7,50,000 करोड़ रुपए कितने होते हैं? 7,50,000 करोड़ रुपए को आप कैलकुलेटर में नहीं लिख सकते, कैलकुलेटर फेल हो जाता है, क्योंकि कैलकुलेटर में अधिकतम 12 अंक आते हैं और 7,50,000 करोड़ लिखने में 14 अंक है। 7,50,000 करोड़ रुपए का मतलब क्या होता है वो समझाता हूं आपको। हमारे भारत देश के इस समय के बाजार में सबसे महंगी चीज अगर कोई है बिक रही, वो है सोना। 10 ग्राम सोना आप खरीदेंगे तो लगभग आपको 7,500 रुपए में मिलेगा। तो एक दिन मैंने हिसाब निकाला कि 7,50,000 करोड़ रुपए में कितना सोना मिलेगा। 7,500 रुपए में 10 ग्राम सोना मिलेगा तो 7,50,000 रुपए में 1 किलो सोना मिलेगा।
तो 7.5 लाख करोड़ रुपए में 1 करोड़ किलोग्राम सोना मिलेगा, और 1 करोड़ किलोग्राम सोना इतना होता है कि पश्चिमी उड़ीसा के एक एक गांव की सड़क सोने से बन सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भारत के नागरिकों ने एक वर्ष में सरकार को जितना पैसा टैक्स में दिया है, उतने पैसे से अगर सोना खरीद लिया जाए तो उड़ीसा का आधा हिस्सा एक ही वर्ष में सोने की सड़कों से हो जाएगा, अगले वर्ष में पूरा उड़ीसा सोने की सड़कों से हो जाएगा, और मुश्किल से 30-35 वर्षों में भारत के हर राज्य की सड़क सोने से बन जाएगी। इतना टैक्स हम हर साल देते हैं, तो एक साल के टैक्स के पैसे से भारत का एक राज्य का आधा हिस्सा सोने की सड़क से मढ़ा जा सकता है, तो लगभग 30 से 35 साल के टैक्स के पैसे से भारत के एक एक गांव की सड़क को सोने से बनाया जा सकता है। अब आप देखिए कि हम टैक्स कभी से दे रहे हैं। हमने टैक्स भरना शुरू किया 15 अगस्त 1947 से भारत की सरकार को। उसके पहले हम टैक्स देते थे अंग्रेजों की सरकार को। 15 अगस्त 1947 के पहले भारत में अंग्रेजों की सरकार चलती थी, तो भारत के नागरिक अंग्रेजों को टैक्स भरते थे, और अंग्रेज पूरा का पूरा टैक्स भारत से लूटकर इंग्लैंड में लेकर जाते थे। जब भारत के नागरिकों का टैक्स अंग्रेजों की सरकार लेती थी और पूरा टैक्स इंग्लैंड चला जाता था, और 250 वर्षों तक ये सिलसिला चला, तो अंग्रेज उस टैक्स के पैसे से करोड़पति हो गए और भारत के नागरिक सबके सब रोडपति हो गए। माने भारत के नागरिक तो गरीब हो गए, बेरोजगार हो गए, टैक्स का इतना पैसा लंदन चला गया कि भारत के खजाने में पैसा ही नहीं था, और इंग्लैंड उसी 250 साल के टैक्स के पैसे से दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर देश बन गया। ये बात को सबसे पहले पहचान किया हमारे भारत के एक महान अर्थशास्त्री दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले यह बात पहचान लिया कि अंग्रेजों की सरकार भारत से जो टैक्स ले रही है, और ये पूरा का पूरा टैक्स भारत से इंग्लैंड जा रहा है, ये भारत की लूट हो रही है। यही बात दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक में लिखी। उस पुस्तक का नाम है द ग्रेन फ्रॉम इंडिया। आप में से किसी को भी ये पुस्तक पढ़ने को मिले जरूर पढ़िए। बहुत अच्छी पुस्तक है ये समझने के लिए कि अंग्रेजों ने भारत को कैसे लूटा और कितना लूटा। द ड्रेन फ्रॉम इंडिया दादा भाई नौरोजी की लिखी हुई सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, और इसी पुस्तक को पढ़कर भारत के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे ऊधम सिंह हो, चाहे तात्या टोपे हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे लोकमान्य तिलक रहे हो, चाहे विनायक दामोदर सावरकर रहे हो, जितने भी क्रांतिकारी भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल हुए वो सब इस पुस्तक को पढ़कर आए, द ड्रेन फ्रॉम इंडिया। उस पुस्तक को पढ़कर भारतीय नागरिकों का खून खौलता था और उनको पता चलता था कि अंग्रेजों की सरकार कितनी लूटमार कर रही है। लूटमार का तरीका क्या था? अंग्रेजों ने भारतीय नागरिकों पर भयंकर टैक्स लगा रखा था, और वो टैक्स की व्यवस्था कुछ इस तरह से की हुई थी उन्होंने कि भारत के नागरिक कुछ भी वस्तु का उत्पादन करें तो उत्पादन पर ही अंग्रेजों की सरकार को टैक्स देना पड़ता था। वस्तु को उत्पादन करने पर ही टैक्स भरना पड़ता था, और उसी टैक्स को अंग्रेजों ने एक्साइज ड्यूटी का नाम दिया था, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। माने आप कुछ भी सामान बनाइए, बनाने पर ही टैक्स भरिए। फिर अंग्रेजों ने क्या किया था कि जो व्यक्ति सामान बनाएगा, सामान के बनाने पर टैक्स भरेगा, अब बनाए हुए सामान को बेचेगा तो अंग्रेजों ने उस पर भी टैक्स लगा रखा था। सामान को बेचने पर जो टैक्स था उसका नाम था सेल्स टैक्स, बिक्री कर। फिर कोई व्यक्ति सामान को बनाएगा तो टैक्स भरेगा एक्साइज ड्यूटी, बेचेगा तो टैक्स भरेगा सेल्स टैक्स, अगर सामान को बेचकर मुनाफा कमाएगा तो फिर उस पर टैक्स भरेगा इनकम टैक्स,
आयकर। फिर अगर आप सामान को बेचने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाएंगे तो सड़क पर से जाएंगे तो अंग्रेजों ने सड़क का एक टैक्स लगा रखा था, रोड टैक्स। अगर सड़क पर कहीं कोई पुल आएगा, ब्रिज आएगा, तो अंग्रेजों ने उसका एक टैक्स लगा रखा था, ब्रिज टैक्स। बाद में उसका नाम हो गया टोल टैक्स। फिर अंग्रेजों ने क्या किया था कि जो गांव में सामान बनेगा उस गांव का एक टैक्स देना पड़ता था, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन टैक्स। फिर अंग्रेजों ने क्या किया था कि जिस गांव में सामान बनेगा वहां से अगर दूसरे गांव में जाएगा तो गांव से सामान को निकालते समय एक टैक्स देना पड़ेगा, एग्जिट टैक्स, और जिस गांव में सामान जाएगा वहां देना पड़ेगा एंट्री टैक्स। ऐसे 23 तरह के टैक्स अंग्रेजों ने लगा रखे थे। इनकम टैक्स जो अंग्रेजों ने लगाया था वो 96% होता था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई भी माल बेचकर अगर 100 रुपए का मुनाफा आपने कमाया तो 96 रुपए अंग्रेजों को टैक्स में भरना। एक्साइज ड्यूटी अंग्रेजों ने 350% लगाई हुई थी, 350%। इसका मतलब क्या है? कोई वस्तु का 100 रुपए का उत्पादन अगर आपने किया तो उस पर 350 रुपए टैक्स भरना पड़ेगा आपको, तो वस्तु का मूल्य 450 रुपए हो जाएगा। अंग्रेजों ने सेल्स टैक्स लगाया हुआ था, उसकी रेट थी 70%। माने 100 रुपए की वस्तु बेच रहे हैं तो 70 रुपए उस पर टैक्स फिर सेल्स टैक्स के नाम पर देना पड़ेगा। तो ऐसे करके 23 टैक्स लगा रखे थे और हर साल हजारों करोड़ रुपए अंग्रेज यहां से लूट कर ले जा रहे थे टैक्स के नाम पर। तो दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में लिखा कि ये अंग्रेज आए थे व्यापारी बनकर, बाद में इस देश के मालिक बन गए और इस देश से 250 साल से टैक्स ले रहे हैं, और उसी टैक्स के भरने में भारत गरीब हो रहा है और इंग्लैंड अमीर हो रहा है। तो दादा भाई नौरोजी ने भारत की गरीबी का कारण बताया था अंग्रेजों की सरकार का लगाया हुआ टैक्स। और दादा भाई नौरोजी कहा करते थे कि जिस दिन अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे उस दिन अंग्रेजी टैक्स भी चले जाएंगे और उसी से भारत अमीर होना शुरू हो जाएगा। और दादा भाई नौरोजी के इस सिद्धांत से महात्मा गांधी भी सहमत थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी सहमत थे, रास बिहारी बोस भी इससे सहमत थे, शचीन्द्रनाथ सान्याल भी सहमत थे, उस जमाने के जितने भी अर्थशास्त्री थे और क्रांतिकारी भी थे वो सब उनकी इस तर्क से सहमत थे कि जब तक अंग्रेजों की सरकार भारतवासियों पर टैक्स लगाती रहेगी भारतीय नागरिक अमीर नहीं हो सकते, गरीब ही गरीब रहेंगे, और जिस दिन अंग्रेजों की सरकार भारत से चली जाएगी भारत के नागरिकों पर टैक्स लगना बंद हो जाएगा उसी दिन से भारत अमीर होता चला जाएगा। तो भारतीय क्रांतिवीरों ने भारत से अंग्रेजों को हटाने के लिए जो संग्राम किया उसका एक बड़ा कारण था अंग्रेजों के द्वारा लिया जाने वाला टैक्स। अंग्रेजों की सरकार ने किसानों पर भी टैक्स लगा रखा था और किसानों के टैक्स को लगान के नाम से वसूला जाता था। और भारत में लगभग 7,32,000 गांव थे, हर गांव से लगान वसूली के लिए अंग्रेज अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। और उसका रेट क्या होता था, किस दर से वो लगान वसूल किया जाता था? वो रेट ये था कि अगर कोई गांव जितना उत्पादन करेगा कम से कम उसका 50% और अधिक से अधिक 95% अंग्रेजों को लगान में देगा। इसका मतलब क्या है? कोई गांव के किसान ने 100 क्विंटल अन्न पैदा किया तो उसमें से 95 क्विंटल अंग्रेजों को देना पड़ेगा लगान में, 5 क्विंटल आप अपना रखिए गांव में। तो किसानों के ऊपर जो टैक्स था वो प्रोडक्शन के ऊपर 95% होता था। और कभी कभी क्या होता था कि बहुत सारे गांव के किसान टैक्स नहीं भरते थे तो अंग्रेज उस गांव को जला देते थे, उस गांव के नागरिकों के घर जलाए जाते थे, गांव की महिलाओं को अंग्रेज सरकार उठवा लेती थी, उनके साथ बलात्कार किए जाते थे, गांव की माताओं बहनों के साथ बलात्कार किए जाते थे। ये अंग्रेजों की नीति थी, नियम था और इसी के लिए कानून भी बनाया हुआ था। तो जब इतना अत्याचार इस देश में 250 साल अंग्रेजों का किसानों के ऊपर चला तो किसानों ने फिर फैसला किया कि अगर हम उत्पादन करते हैं तो बहुत सारा टैक्स अंग्रेजों को भरना पड़ता है। तो भारत के करोड़ों करोड़ों किसानों ने सोचा कि अब माल ही पैदा मत करो, माने खेती ही मत करो,
क्योंकि खेती करो तो उत्पादन होता है, उत्पादन होता है तो अंग्रेजों को टैक्स भरना पड़ता है, तो खेती करना बंद कर दो। तो भारत के करोड़ों करोड़ों किसानों ने अंग्रेजों के लगान से, टैक्स से बचाव करने के लिए खेती करना बंद कर दिया और लाखों एकड़ जमीन में 100 साल 150 साल खेती ही नहीं हुआ और वही जमीन हिंदुस्तान में बंजर हो गई, बेकार हो गई, जो आज भी हमारी आंखों के सामने है। तो इस तरह के अत्याचारी शासन व्यवस्था से भारत के किसानों को, भारत के उत्पादन करने वाले व्यापारियों को, मजदूरों को अंग्रेजों ने चूसा, लूटा, बर्बाद किया। 15 अगस्त 1947 को वो अंग्रेज चले गए और वो चले गए तो हमारे क्रांतिवीर जो जीवित थे उनके मन में एक कल्पना पैदा हुई कि अब अंग्रेज चले गए तो भारत से टैक्स की लूट भी बंद हो जाएगी और अब भारत धीरे धीरे अमीर हो जाएगा। और सभी क्रांतिवीरों ने कहा कि 20 साल में 25 साल में भारत फिर से सोने की चिड़िया हो जाएगा। लेकिन जिन क्रांतिवीरों ने ऐसी कल्पना की थी और जिन क्रांतिवीरों ने ऐसे सपने देखे थे उनको ये नहीं मालूम था कि अंग्रेजों के जाने के बाद जो नेता इस देश में आएंगे वो अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक काले अंग्रेज बन जाएंगे। अंग्रेज चले गए 15 अगस्त 1947 को, भारत आजाद हो गया। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शपथ ग्रहण किया। शपथ ग्रहण होते ही उनको पूछा गया कि अंग्रेजों की सरकार ने जितने टैक्स लगाए थे आप उनका क्या करेंगे, उन टैक्सों को रखेंगे या हटाएंगे, क्योंकि भारत के सभी क्रांतिवीरों का सपना है कि अंग्रेजी सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स भारत में नहीं रहने चाहिए और अंग्रेजी सरकार के टैक्स के खिलाफ भारत में बहुत बड़े बड़े संग्राम हुए थे। महात्मा गांधी ने किया था नमक सत्याग्रह, नमक पर लगाए गए टैक्स के विरोध में वो कार्यक्रम था। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक सत्याग्रह किया था, बारडोली सत्याग्रह, वो किसानों के ऊपर लगाए गए लगान के विरोध में था। तो कई क्रांतिवीर नेता सत्ता में आ गए थे और उनसे पूछना शुरू किया पत्रकारों ने कि अब तो आप अंग्रेज चले गए हैं, अंग्रेजी टैक्सों को भी यहां से हटाएंगे, तो उन्होंने कहा हम हटाएंगे, इसके बारे में सोचेंगे, और वो आज तक सोच रहे हैं। अंग्रेजों के गए हुए हमारे देश में 59 साल पूरे हो गए हैं, 60वां साल चल रहा है, जितने टैक्स अंग्रेजों ने लगाए थे एक भी टैक्स भारत के आजादी के बाद के काले अंग्रेजों ने, माने आज के नेताओं ने हटाया नहीं। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अंग्रेजों ने लगाया वो आज भी लग रहा है, सेंट्रल सेल्स टैक्स अंग्रेजों ने लगाया वो आज भी लग रहा है, इनकम टैक्स अंग्रेजों ने शुरू किया वो आज भी हम दे रहे हैं, टोल टैक्स अंग्रेजों ने शुरू किया वो आज भी दे रहे हैं, रोड टैक्स अंग्रेजों ने शुरू किया वो आज भी हम दे रहे हैं, सेल्स टैक्स अंग्रेजों ने शुरू किया वो आज भी हम दे रहे हैं। और हमें तो बहुत दुख है ये कहते हुए कि अंग्रेजों के शुरू किए गए 23 टैक्स तो हम दे ही रहे हैं, अंग्रेजों के जाने के बाद इन काले अंग्रेजों ने और लगभग 40 टैक्स लगा दिए हैं, वो भी हम दे रहे हैं। माने अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में टैक्स कम नहीं हुए हैं, बढ़ते ही बढ़ते चले गए हैं। और अंग्रेजों के जाने के बाद टैक्स चूंकि कम नहीं हुए, इसका माने लोगों की लूट बदस्तूर जारी है इस देश में। बस अंतर इतना है कि पहले गोरे अंग्रेजों ने इस देश को लूटा टैक्स लगाकर, अब काले अंग्रेज इस देश को लूट रहे हैं टैक्स लगाकर। ये काले अंग्रेज कौन है? मनमोहन सिंह। ये काले अंग्रेज कौन है? पी चिदंबरम। ये काले अंग्रेज कौन है? नवीन पटनायक। ये काले अंग्रेज कौन है? ये जितने भी नेताओं के नाम आप गिन सकते हैं अपनी उंगलियों पर, जिनको आप जानते हैं, ये सब काले अंग्रेज हैं। और मुझे ये बड़े दुख और दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि अंग्रेजों की आत्मा ही इनमें उतर गई है। और ये आज के नेता भी हमसे ऐसे ही टैक्स वसूल रहे हैं जैसे अंग्रेजों ने वसूला था। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण से समझाता हूं। ये आज के हमारे जो काले अंग्रेज नेता हैं, ये कितने टैक्स लेते हैं हमसे, एक उदाहरण से समझिए। आप जहां बैठे हुए हैं, आपके ठीक पीछे एक पेट्रोल पंप है। ये पेट्रोल पंप भारत पेट्रोलियम कंपनी का है। आप अभी मेरा व्याख्यान सुनकर वहां जाइए और उसको पूछिए 1 लीटर पेट्रोल का भाव क्या है। पूछने की शायद जरूरत ना पड़े, आप सभी को मालूम है लगभग 50 रुपए के आसपास होगा।
और एक लीटर डीजल का भाव 38 रुपए के आसपास होगा। पिछले साल मैंने क्या किया, ये जो भारत पेट्रोलियम नाम का पेट्रोल पंप आपके ग्राउंड के पीछे है, इस कंपनी के सबसे बड़े अधिकारी को, जिसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं, मैंने एक पत्र लिखा और उस पत्र में मैंने उसको एक प्रश्न किया कि भारत पेट्रोलियम नाम की कंपनी में एक लीटर पेट्रोल कितने रुपए में बनता है और इस पर कितने रुपए टैक्स लगता है। तो मेरे पत्र का उसने जवाब दिया कि मैं आपको यह जानकारी नहीं दे सकता। मैंने पूछा क्यों नहीं दे सकते, तो कहते हैं यह बहुत सेंसिटिव है, संवेदनशील जानकारी है। तो मैंने कहा इसमें संवेदनशीलता क्या है, मैं भारत का नागरिक हूं और जानना चाहता हूं कि एक लीटर पेट्रोल कितने रुपए में बनता है और कितना रुपए उस पर टैक्स लगता है, इसमें आप क्यों मुझसे छुपाना चाहते हैं जानकारी को। कहने लगे ये जानकारी इतनी खतरनाक है कि गांव गांव वालों को पता चल गई तो ये सरकार नहीं चल पाएगी इस देश। तो मैंने कहा ना चले सरकार, इससे मेरा क्या लेना देना, मुझे ये जानकारी चाहिए। तो पहले उसने मना कर दिया, फिर मैंने उससे कहा कि आपको मालूम है भारत में एक कानून बना है जिसका नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, अगर मैंने इस कानून का पालन किया तो आपकी नौकरी चली जाएगी और मैं नहीं चाहता कि आपके बीवी बच्चे भूखे मरे, इसलिए अब चुपचाप ये जानकारी दे दीजिए, क्योंकि आप अगर मना करेंगे ये जानकारी के लिए और मैं हाई कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तो कोर्ट आपको मजबूर कर देगा वो जानकारी देने के लिए, इसलिए अब आप इसको छुपा नहीं सकते, दे दीजिए चुपचाप। तब उसने जानकारी दिया और उसने बताया कि एक लीटर पेट्रोल हमारे भारत पेट्रोलियम कंपनी में 8 रुपए में बनता है। मैंने उससे फिर एक पत्र लिखकर पूछा कि ये 8 रुपए का ब्रेकअप बताओ मुझे, ब्रेकअप, ब्रेकअप का माने कि वास्तव में ये कहां कहां 8 रुपए खर्च होता है, कैसे खर्च होता है, ये मुझे समझाओ। तब उसने पूरा डिटेल मुझे भेजा, उसने कहा कि देखिए जी, पेट्रोल बनाने के लिए कच्चा तेल निकालते हैं हम जमीन के नीचे से, और कच्चा तेल निकालते हैं समुद्र में से, तो जमीन के नीचे से जितना भी कच्चा तेल निकलता है, समुद्र में से जितना कच्चा तेल निकलता है, वो सब फोकट का होता है, उसको कोई पैसा हम नहीं देते, क्योंकि भारतीय भूमि से निकाला हुआ है, भारत के समुद्र से निकाला हुआ है, तो वो पैसा तो उसको देना नहीं पड़ता। निकालने में मशीन लगती है और मशीन चलाने के लिए बिजली खर्च होती है, तो अगर एक लीटर कच्चा तेल हम जमीन से निकालें तो उसमें जो बिजली का खर्चा है वो लगभग 40 पैसे आता है। एक लीटर कच्चा तेल जमीन से निकालो तो बिजली खर्च होती है 40 पैसे की, एक लीटर कच्चा तेल समुद्र से निकालो तो बिजली खर्च होती है 70 पैसे की। समुद्र में गहराई ज्यादा होती है, जमीन में गहराई कम होती है, ज्यादा गहराई से कोई चीज निकालेंगे तो खर्चा ज्यादा आएगा, कम गहराई से निकालेंगे खर्चा कम आएगा। तो उसने बता दिया कि 70 से 80 पैसे खर्च आता है बिजली का। फिर मैंने कहा आगे खर्च बताओ, तो आगे का खर्च ये है कि ये जो एक लीटर कच्चा तेल हमने निकाला इसको हम संशोधन करते हैं, अंग्रेजी में उसको प्रोसेसिंग कहते हैं, तो शोधन करते हैं उसमें कितना लीटर निकलता है पेट्रोल। तो उसने कहा कि जब एक लीटर कच्चे तेल को शोधन करते हैं तो 250 मिलीलीटर पेट्रोल उसमें से निकल आता है, बाकी क्या हुआ 750 मिलीलीटर का। तो उसने कहा कि बाकी का थोड़ा डीजल निकलता है, थोड़ा केरोसिन निकलता है, थोड़ा वैक्स निकलता है और ऐसी 50-50 चीजें उसमें से निकलती है। तो मैंने कहा इसका मतलब यह है कि 4 लीटर कच्चा तेल अगर हम शोधन करें तो 1 लीटर पेट्रोल बनेगा। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो अब उसका हिसाब मैंने जोड़ा कि 70 पैसे लीटर का अगर खर्च माने तो 2.80 रुपए पैसे में 1 लीटर पेट्रोल बन जाएगा। अब उस 1 लीटर पेट्रोल पर भारत पेट्रोलियम कंपनी अपना मुनाफा लगाती है, तो उनका कहना है कि हमको मिनिमम 15-20% नेट प्रॉफिट चाहिए, तो वो जोड़ दिया। फिर वो कहते हैं हमारे ओवरहेड एक्सपेंसेस इसमें चाहिए, वो भी मैंने जोड़ दिए। फिर वो कहते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल को हम जहां बनाते हैं और गांव गांव में ट्रांसपोर्ट करते हैं उसमें 1 रुपए खर्च आता है, वो भी जोड़ दिया। तो कुल सारा जोड़ करने के बाद खर्च आता है 8 रुपए लीटर, अर्थात भारत की सबसे बड़ी पेट्रोल बनाने वाली कंपनी भारत पेट्रोलियम में 1 लीटर पेट्रोल बनाने का खर्चा है 8 रुपया। तब मैंने उस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को पूछा कि भाई अब मुझे ये समझाओ कि ये 8 रुपए लीटर में जो पेट्रोल बना वो 50 रुपए लीटर क्यों बिकता है। तो उसने कहा साहब ये बात आप वित्त मंत्री से पूछिए।
मैंने पूछा क्यों, तो उसने कहा कि वित्त मंत्रालय इस 8 रुपए लीटर के पेट्रोल पर 42 रुपए लीटर का टैक्स लगाता है। 8 रुपए लीटर के पेट्रोल पर 42 रुपए लीटर का टैक्स तो कितने प्रतिशत हुआ, हिसाब से जोड़ो जरा। 8 रुपए लीटर के पेट्रोल पर अगर 8 रुपए टैक्स लगाया जाए तो भाव हो जाएगा 16 रुपए लीटर, तो टैक्स हो गया 100%। 8 रुपए लीटर के पेट्रोल को अगर 24 रुपए लीटर बेचा जाए तो टैक्स हो गया 200%। 8 रुपए लीटर के पेट्रोल को अगर 32 रुपए लीटर बेचा जाए तो टैक्स हो गया 300%। 8 रुपए लीटर के पेट्रोल को 40 रुपए लीटर बेचा जाए तो टैक्स हो गया 400%। और 8 रुपए लीटर के पेट्रोल को 48 रुपए लीटर बेचा जाए तो टैक्स हो गया 500%। अर्थात जब आप इस भारत पेट्रोलियम के पंप में जाकर 1 लीटर पेट्रोल खरीदते हैं तो 42 रुपए आप टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं और वो टैक्स होता है 500%। भारत के नागरिक एक दिन में 300 करोड़ लीटर डीजल और पेट्रोल खर्च करते हैं एक दिन में, और 1 लीटर पे 42 रुपए टैक्स देते हैं तो 300 करोड़ लीटर पर, 300 करोड़ में 42 का गुणा करो, लगभग 13,000 से 14,000 करोड़ रुपए हर दिन हम डीजल में पेट्रोल में टैक्स का दे रहे हैं। अब एक दिन में 13,000 से 14,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं तो एक साल में कितना हुआ, तो 365 का गुणा कर लो 13,000 करोड़। इतना टैक्स हम भर रहे हैं कि वो कैलकुलेटर में नहीं समाएगा, कैलकुलेटर फेल हो जाए। और ये तो मैंने कहानी सुनाई सिर्फ डीजल और पेट्रोल की, पेट्रोल की कहानी है 42 रुपए लीटर टैक्स भर रहे हैं, डीजल की कहानी ऐसी ही है, डीजल का उत्पादन खर्च भी 8 रुपए लीटर ही है और उसमें 30 रुपए लीटर का टैक्स है। और ये जो केरोसिन ऑयल होता है, मिट्टी का तेल जिसको आप कहते हैं, इसका कहानी भी यही है, 8 रुपए लीटर में यही बनता है, और अगर वो 15 रुपए लीटर बिक रहा है तो उस पर 100% के आसपास टैक्स है। तो डीजल, पेट्रोल, केरोसिन और एलपीजी गैस जो आप इस्तेमाल करते हैं सिलेंडर रसोई गैस का, उसका भी यही कहानी है। तो हम जो भी कुछ पेट्रोलियम पदार्थ इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें लगभग 500% टैक्स सरकार को दे रहे हैं। ये टैक्स हर साल सरकार हमसे ले रही है और क्या बोल रही है कि इस टैक्स से भारत का विकास करेंगे, और हम 58 साल से यही सुन रहे हैं। पंडित नेहरू ने जब ये टैक्स लेने शुरू किए थे तब उन्होंने पहला भाषण लोकसभा पे दिया था, लोकसभा के अंदर दिया था, और फिर भारत के लाल किले की दीवार पे खड़े होकर बोला था कि मैं भारतीय नागरिकों से अपील करता हूं कि वो ईमानदारी से टैक्स भरें तो हमारे पास टैक्स का पैसा आए तो हम देश का विकास करें। तो हम तो अंग्रेजों को भी ईमानदारी से टैक्स भरते थे और अंग्रेजों के बाद इन काले अंग्रेजों को भी ईमानदारी से टैक्स भर रहे हैं, लेकिन देश के विकास क्या। मैंने आपको डीजल पेट्रोल का एक कहानी सुनाया, आप बाजार से कुछ भी खरीदो उसमें आपको टैक्स भरना पड़ता है। उदाहरण के लिए आप अपना घर बनाओ, घर बनाने के लिए आपको ईंट लगेगी, सीमेंट लगेगा, लोहा लगेगा, बालू लगेगी, और इन सबको खरीदने में टैक्स लगेगा। कैसे लगेगा, अगर सीमेंट का एक पैकेट आप खरीदे तो इस समय लगभग 120-125 रुपए का मिलता होगा 50 किलो सीमेंट, लेकिन वो फैक्ट्री में बनता है मात्र 60 रुपए का। सीमेंट पर 100% टैक्स लगता है, सीमेंट का पैकेट 60 रुपए में बनता है और 120 में बिकता है, लगभग 60 रुपए टैक्स में जाता है। लोहा खरीदते हैं आप बाजार से 30 रुपए किलो, लोहे का उत्पादन खर्च है 12 रुपए किलो और उस पर टैक्स लगता है लगभग 18 रुपए किलो। फिर आप ईंट खरीदते हैं, एक ईंट आपको मिलती है 2-2-3 रुपए की, उसका खर्चा आता है 80 पैसे, बाकी सब कुछ उस पर टैक्स है। और सीमेंट में मिलाने के लिए जो बालू आप खरीदते हैं वो तो सब फोकट में ही बनती है क्योंकि उसको बनाने का खर्चा ही नहीं लगता, वो तो बारिश के पानी में नदियों में बह बह के पहाड़ों से आती है, एकदम फोकट में लगती है। लेकिन हमारे भारत के ये हरामखोर काले अंग्रेज उस बालू पर भी टैक्स लगाते हैं, उसमें भी आपको टैक्स भरना पड़ता है।
अगर आप बोलंगीर में 10 लाख रुपए का आपका घर बनाए तो मैं कैलकुलेशन से बता सकता हूं कि कम से कम 6 लाख रुपए आपको टैक्स में देना पड़ेगा। 10 लाख रुपए का घर बनाओ तो 6 लाख रुपए टैक्स भरो। सीमेंट पे भर दिया, ईंट पे भर दिया, बालू पे भर दिया, लोहे पे भर दिया, रेती पे भर दिया, गिट्टी पे भर दिया, सब पर टैक्स दे दिया। अब घर बनकर तैयार हुआ तो उसमें आप इलेक्ट्रिक वायरिंग करो तो उस पर टैक्स भरना पड़ेगा, बल्ब और ट्यूबलाइट लगाओ वो खरीदो तो उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। और घर बन के तैयार हुआ, आपने रहना शुरू कर दिया तो अब परमानेंट आपको हाउस टैक्स अलग से देना पड़ेगा। माने घर बना के रहना कोई बड़ा भारी अपराध हो गया कि हमको हाउस टैक्स भी भरना पड़े। घर बनाओ उसमें टैक्स भरो और बना के तैयार हो गया तो जिंदगी भर उसमें टैक्स देते। तो एक एक नागरिक कितने तरह के टैक्स भरता है, कुछ उदाहरण में आपको ये दे रहा हूं। आप बाजार से नमक खरीदो, 1 किलो नमक आपको 6-7 रुपए का मिलेगा, शायद बोलंगीर में 3 रुपए का भी मिल जाए, लेकिन 1 किलो नमक बनाने का खर्चा तो 15 पैसे ही आता है क्योंकि नमक बनाने में मशीन नहीं लगती और बिजली भी नहीं लगती। सूरज की रोशनी होती है, समुद्र का पानी होता है, दोनों के मेल से नमक बनता है और दोनों ही फोकट में आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। समुद्र की पानी की भी कोई कीमत नहीं है और सूर्य के प्रकाश की कीमत नहीं है। तो नमक बनाने में सिर्फ मजदूरों को जो भत्ता लगता है, मजदूरों को पगार देनी पड़ती है, वो खर्चा 15 पैसे किलो है। 15 पैसे किलो का नमक 3 रुपए किलो आप खरीद रहे हैं, जानते हैं कितना टैक्स है? 15 पैसे किलो का नमक 1.5 रुपए किलो खरीदे तो 1000% टैक्स होता है और 15 पैसे किलो का नमक 3 रुपए किलो खरीदे तो 2000% टैक्स होता है। और इसी भारत देश के एक महात्मा गांधी नाम के महान क्रांतिवीर ने नमक के टैक्स के विरोध में नमक सत्याग्रह किया था सन 1930 में। उसी महात्मा गांधी के भारत देश में नमक पर 2000% टैक्स अभी लगाया हुआ है। और दुख मुझे यह होता है कि नमक पर टैक्स लगाने वाले वो लोग हैं जो गांधी जी की फोटो लगाते हैं अपने पीछे, मनमोहन सिंह की कुर्सी के पीछे महात्मा गांधी की फोटो लगी हुई है। और ये मनमोहन सिंह ने थोड़े दिन पहले महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह की 75वीं जयंती मनाई थी, आपको याद है? उसमें मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के बहुत सारे नेता गांधी जी जिस रास्ते पर चले उस पर पैदल पैदल चल के अहमदाबाद से दांडी तक गए थे गुजरात। उस समय मैंने इनको चिट्ठी लिखा था, उसमें कहा था कि पाखंडियों, महात्मा गांधी को तो थोड़ा बख्श दो, तुम जिस महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हो उस आदमी ने नमक पर टैक्स का विरोध किया था इसलिए ये पदयात्रा की थी और तुम हरामखोरों ने 2000% टैक्स लगा दिया है नमक पर, तुमको तो चुन्नू भर पानी में डूब मरना चाहिए या पानी भी नहीं मिले तो ऐसे ही मर जाना चाहिए, कम से कम पानी तो खर्च ना हो इसके। ऐसा हमारा देश है, टैक्स 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 इतने 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 के आदमी त्राही माम कर जाए। और मैं आपको अब एक गंभीर बात कहने जा रहा हूं, वो ये कि जिन नागरिकों के ऊपर टैक्स ज्यादा होता है वो नागरिक उतने ही ज्यादा गरीब होते हैं। जिस देश के नागरिकों पर टैक्स सबसे कम होता है उस देश के नागरिक उतने ही ज्यादा अमीर होते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा ना अमेरिका अमीर क्यों है, अगर जनसंख्या बढ़ने से भारत गरीब हुआ तो अमेरिका भी गरीब होना चाहिए, जनसंख्या बढ़ने से भारत गरीब हुआ तो फ्रांस भी गरीब होना चाहिए, जर्मनी भी गरीब होना चाहिए, क्योंकि हर देश की जनसंख्या 50 साल में बढ़ी है, सिर्फ भारत की ही जनसंख्या नहीं बढ़ी है। लेकिन जनसंख्या बढ़ने से गरीबी का संबंध नहीं है, गरीबी का संबंध है टैक्स बढ़ने से। हमारे भारत में आजादी के पहले जितने टैक्स थे आजादी के बाद उससे ज्यादा हो गए हैं और टैक्स ज्यादा होने से लोगों की रियल इनकम कम हो जाती है, वास्तविक आमदनी कम होती है, उससे गरीबी बढ़ जाती है। इस बात को मैं सरल भाषा में समझाऊं तो आप समझ पाएंगे। भारत की कहानी मैंने सुनाई आपको कि यहाँ 23 तरह के टैक्स अंग्रेजों ने लगाए, काले अंग्रेजों ने 40 और बढ़ाए, 63 टैक्स कुल भारत में है। दुनिया में एक देश ऐसा है जहां कोई टैक्स नहीं, उस देश का नाम है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड नाम के देश में कोई टैक्स नहीं, टैक्स फ्री देश, और भारत में 63 टैक्स है। अब ये दोनों देशों का अगर कंपैरिजन आप करें तो समझ में आएगा कि गरीबी और बेरोजगारी कैसे बढ़ती है।
स्विट्जरलैंड जहां पर एक भी टैक्स नहीं है वहां के किसी गरीब से गरीब आदमी की कहानी मैं सुनाता हूं। आपको मालूम है स्विट्जरलैंड में सबसे गरीब कौन माना जाता है? प्राइमरी स्कूल टीचर। स्विट्जरलैंड का प्राइमरी स्कूल टीचर सबसे गरीब माना जाता है उस देश। तो स्विट्जरलैंड के प्राइमरी स्कूल टीचर की जिंदगी कैसी है जरा बताता हूँ, तो गरीबी कैसी है वो आपको समझेगा। स्विट्जरलैंड का कोई भी प्राइमरी स्कूल टीचर कम से कम अपने घर में दो कार रखता है। गरीबी कैसी होती है जरा ये समझ लो। कम से कम दो कार रखता है, एक कार पति के लिए एक पत्नी के। और कार कौन सी होती है? मारुति 800 नहीं है, डब्बा नहीं, नहीं ये वाली कार नहीं होती। कार जो होती है ना वो वाली जिसको लॉन्सर कहते हैं, मित्सुबिशी कहते हैं, होंडा कहते हैं, जो कम से कम 7 लाख से लेकर 20-25 लाख में आती है, वो कार दो होती है प्राइमरी स्कूल टीचर के पास। फिर उसका अपना घर होता है। प्राइमरी स्कूल टीचर स्विट्जरलैंड में किराए के घर में नहीं रहता कभी, उसका अपना घर होता है। और उसका अपना घर कम से कम 5,000 स्क्वायर फीट का होता है, कंस्ट्रक्शन किया। फिर स्विट्जरलैंड के प्राइमरी स्कूल टीचर के घर में कम से कम 2 मोबाइल फोन होते हैं और 2 लैंडलाइन फोन होते हैं। और स्विट्जरलैंड का प्राइमरी स्कूल टीचर हर दिन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ किसी 5-स्टार होटल में खाना खाता है। और स्विट्जरलैंड का प्राइमरी स्कूल टीचर साल में एक बार अपने माता पिता को विश्व भ्रमण पर भेज सकता है। माता पिता ना जाए तो वो अपनी पत्नी के साथ साल में एक बार विश्व भ्रमण पर जा सकता है। और स्विट्जरलैंड के प्राइमरी स्कूल टीचर को जब रिटायरमेंट आता है तो वो करोड़पति होता है। ये गरीब आदमी की कहानी है स्विट्जरलैंड की। प्राइमरी स्कूल टीचर स्विट्जरलैंड में सबसे गरीब माना जाता है। अगर वो इस हैसियत का है तो प्रोफेसर कैसे हैसियत के होंगे जरा सोचो। अब भारत के प्राइमरी स्कूल टीचर की कहानी देख लो जरा। भारत का प्राइमरी स्कूल टीचर जिंदगी में कार तो क्या साइकिल रख ले तो ये बड़ी बात है। और भारत का प्राइमरी स्कूल टीचर गलती से किसी दिन पत्नी के साथ किसी 5-स्टार होटल में एक बार खाना खा ले तो उसके महीने भर की पगार उस एक खाने में चली जाएगी। जो भारत का प्राइमरी स्कूल टीचर गलती से अपने माता पिता को विश्व भ्रमण पर भेज दे तो इतना कर्ज उसके सिर पर चढ़ जाएगा कि जिंदगी पर्यंत वो उसे उतार नहीं पाएगा। जो भारत के प्राइमरी स्कूल टीचर के माँ बाप कभी बीमार हो जाएं और हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएं तो उनका इलाज भी बिना कर्ज लिए नहीं करा पाएगा। और भारत का प्राइमरी स्कूल टीचर जिंदगी बीत जाए 40 साल की नौकरी में, अपना घर बना पाएगा ये कल्पना की बात होगी, जिंदगी भर वो किराए के घर में रहेगा। भारत के प्राइमरी स्कूल टीचर की ये हैसियत है और स्विट्जरलैंड की ये हैसियत है। कारण क्या है, क्यों है इतना अंतर? स्विट्जरलैंड का प्राइमरी स्कूल टीचर अरबपति है, करोड़पति है, और भारत का प्राइमरी स्कूल टीचर रोडपति है। उसका कारण एक ही है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। स्विट्जरलैंड के किसी भी व्यक्ति पर कोई टैक्स नहीं लगता है और भारत के प्राइमरी स्कूल टीचर पर 63 टैक्स लगते हैं। तो होता क्या है कि आपकी जिंदगी की जो आमदनी है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा तो टैक्स में ही सरकार आपसे ले लेती है, वो आपके हाथ में नहीं रहता है। इसलिए रियल इनकम, वास्तविक आमदनी बहुत कम होती है। और स्विट्जरलैंड के नागरिकों पर टैक्स ही नहीं लगता है तो उन नागरिकों की आमदनी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए स्विट्जरलैंड दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है। जनसंख्या वहां भी बढ़ रही है लेकिन अमीरी के साथ जनसंख्या बढ़ रही है। भारत में जनसंख्या बढ़ रही है तो गरीबी के साथ बढ़ रही है। अब समझने की बात यह है कि स्विट्जरलैंड नाम के देश में कोई भी टैक्स नहीं है नागरिकों के ऊपर, तो फिर वो देश कैसे चलता है? आपके मन में यह प्रश्न आना चाहिए कि हमारे देश में तो हमारे नेता हमको ये बताते हैं, रोज टीवी में विज्ञापन आता है ना, दो छोटे बच्चे आपस में बात करते हैं तो एक कहता है मेरे पिताजी तो इतना सर्विस टैक्स देते हैं, तो दूसरा बच्चा पूछ रहा है क्या जरूरत है देने की, तो टीचर समझा रही है कि ये टैक्स से ही तो सब कुछ चलता है देश में, ये सड़क चल रही है, मोटर गाड़ियां है, ये ब्रिज बन रहे हैं, ये सब देश की सुरक्षा, ये टैक्स के पैसे से, माने देश चलता है टैक्स के पैसे से, उस विज्ञापन के मतलब ये है। तो अगर देश टैक्स के पैसे से चलता है तो स्विट्जरलैंड में तो कोई भी टैक्स नहीं है, फिर कैसे चल रहा है?
ये बात मेरे समझ में नहीं आती थी पहले। फिर मैंने समझने की बहुत कोशिश की और इसके लिए स्विट्जरलैंड का प्रवास भी किया। मैं स्विट्जरलैंड गया ये जानने और समझने के लिए कि बिना एक पैसा टैक्स लिए हुए वो देश कैसे चलता है, वहां की सरकार कैसे चलती है, नेताओं के खर्च कैसे निकाले जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, जुडिशियल सिस्टम कैसे चलता है। और वहां जाकर जब देखा, सुना, पढ़ा, अध्ययन किया तो पता चला कि स्विट्जरलैंड की सरकार भारत के हरामखोर भ्रष्टाचारी नेताओं के दम पर चलती है। आप जानते हैं वो हरामखोरी क्या है भारत के नेताओं की? भारत के नेताओं की हरामखोरी ये है कि भारत के नेता भारत में भ्रष्टाचार करते हैं, ये आप सब जानते हैं। और भारत के नेता कितने भ्रष्टाचारी हैं ये अब आपको सुनाने की जरूरत नहीं है, आपने अपनी आंखों के सामने देख लिया है। ये हरामखोर नेता इतने निकृष्ट स्तर पर गिरे हुए हैं कि हमने उनको संसद में चुनकर भेजा था हमारे सवाल पूछने के लिए, सवाल पूछने का भी पैसा खाते। इससे ज्यादा गिराई की कोई बात हो सकती है? गिरावट की? हमने जिस काम के लिए संसद में भेजा, हमने जिस काम के लिए विधानसभा में भेजा, और हम हमारे टैक्स के पैसे का उनके ऊपर खर्च कर रहे हैं पगार के रूप में, वो नेता हमारा ही प्रश्न संसद में पूछने के लिए रिश्वत खाते हैं, तो ये गिरावट कितनी है नेताओं में आप अंदाजा लगा लो। तो भारत के नेता हर कदम पर रिश्वत खाते हैं। और भारत की सरकार खुद कहती है कि प्रतिवर्ष भारत में 70,000 से 80,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार होता है प्रतिवर्ष। माने भारत के नेता और अधिकारी हर साल 70,000 से 80,000 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार में खा लेते हैं हर साल। राजीव गांधी जब जीवित थे इस देश में तब उन्होंने एक सूत्र दिया था, वो ये कि जब मैं 1 रुपया दिल्ली से किसी गांव के व्यक्ति के ऊपर खर्च के लिए भेजता हूं तो मात्र 15 पैसे वहां तक पहुंचता है, 85 पैसे भ्रष्टाचार में चला जाता है। सरकार हर साल भारत के नागरिकों के लिए बजट बनाती है और लगभग 4.5 से 5 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है। राजीव गांधी फॉर्मूले के अनुसार इसका 15% ही खर्च हो पाता है, 85% तो भ्रष्टाचार में ही चला जाता है। तो आप अगर ये सोचें तो हर साल भारत में कितने लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार होता है। ये सारा जो भ्रष्टाचार हर साल लाखों करोड़ों रुपए का होता है ये कहां चला जाता है? ये सारा का सारा भ्रष्टाचार जो लाखों करोड़ों रुपए का भारत में होता है ये स्विट्जरलैंड की बैंकों में जाकर जमा हो जाता है। भारत के सभी भ्रष्टाचारी नेताओं के स्विट्जरलैंड की बैंकों में खाते खुले हुए हैं, स्विस बैंक अकाउंट्स उनको कहा जाता है। अब स्विट्जरलैंड देश कैसे चल रहा है बिना टैक्स लगाए हुए, वो बात अब आपको समझ में आएगी। स्विट्जरलैंड में 37 बैंक हैं, भारत में जैसे 40 बैंक है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे स्विट्जरलैंड में 37 बैंक हैं। उनके कुछ नाम है बैंक ऑफ जिनीवा, बैंक ऑफ ज्यूरिख, बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, ऐसी 37 बैंक हैं। इन 37 बैंकों में भारत के हरामखोर भ्रष्टाचारी नेताओं के खाते खुले हुए हैं। हर साल भारत में लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार होता है, वो भ्रष्टाचार का पैसा स्विट्जरलैंड की बैंकों में जाकर जमा हो जाता है। अब स्विट्जरलैंड की जिन बैंकों में ये पैसा जमा होता है उन बैंकों को ये स्विट्जरलैंड की सरकार के इंस्ट्रक्शन है कि पैसा जमा करने वाले किसी व्यक्ति को ब्याज नहीं देना, इंटरेस्ट नहीं देना, उल्टा पैसा जमा करने वाले से ब्याज लेना सर्विस चार्ज के नाम पर। तो भारत के ये भ्रष्टाचारी नेता स्विट्जरलैंड में जब पैसा जमा करते हैं तो इनमें से किसी नेता को ब्याज नहीं मिलता उस पैसे पर, उल्टा जमा किए गए पैसे पर स्विट्जरलैंड की बैंकों को सर्विस चार्ज देना पड़ता है। और सर्विस चार्ज कितना है? 3.5% से शुरू होकर 16% तक सर्विस चार्ज देना पड़ता है। माने भ्रष्टाचार का 100 रुपया अगर स्विट्जरलैंड की बैंक में जमा किया तो 16 रुपए उसका देना पड़ेगा बैंक को सर्विस चार्ज में। 1,000 करोड़ जमा किया तो उसके हिसाब से समझते जाओ 160 करोड़ देना पड़े। तो भारत के नेता लाखों करोड़ों रुपए स्विस बैंक में जमा करके रखते हैं, यहां भ्रष्टाचार करते हैं, पैसा वहां रखते हैं, उस पैसे से जो सर्विस चार्ज वो वहां की बैंकों को देते हैं, बैंक वो पैसा अपनी सरकारों को देती है और स्विट्जरलैंड की सरकार उस पैसे से चलती है। स्विट्जरलैंड के नागरिकों को कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता।
अर्थात स्विट्जरलैंड के नागरिक अमीर हैं क्योंकि भारत के नेता महाभ्रष्टाचारी और मानसिक रूप से गरीब हैं। इन भ्रष्टाचारी नेताओं के चलते ये देश गरीब है और स्विट्जरलैंड अमीर है। अगर भारत में भ्रष्टाचार नहीं हो, घोटाले ना हो, लूटखोरी ना हो इन नेताओं के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, तो आज भी ये देश 10 साल के ज्यादा समय में सोने की चुड़िया हो जाएगा। अगर ईमानदारी से हम जितना टैक्स भरते हैं 7.5 लाख करोड़ रुपए, ईमानदारी से ही वो टैक्स का पैसा नेता हमारे विकास पर खर्च करना शुरू करे तो 10 साल में वो 75 लाख करोड़ रुपए होता है और 75 लाख करोड़ रुपए इस देश को सोने की चिड़िया बनाने के लिए पर्याप्त होता है। आप समझते हैं 75 लाख करोड़ रुपए का मतलब ये हो गया कि एक एक भारतवासी को 7.5 लाख रुपए देना। 107 करोड़ की आबादी है, हर भारतवासी को 7.5 लाख रुपए दे दो तो 75 लाख करोड़ बैठेगा, माने हर भारतवासी कम से कम लखपति तो हो ही जाएगा। तो इस देश की गरीबी का कारण जनसंख्या वृद्धि नहीं है, इस देश की गरीबी का कारण हरामखोर नेताओं के भ्रष्टाचार की वृद्धि है, ये समझने की बात है। और अब मैं आपसे ये कह सकता हूं कि भ्रष्टाचार हिंदुस्तान की हर राजनीतिक पार्टी में है, कोई राजकीय पार्टी ऐसी नहीं है जो अपने को कहे कि हम दूध के धुले हुए हैं। पहले कुछ राजकीय पार्टियां कहती थी कि हमको देखो एक बार, और भारत के नागरिकों ने उनको देख लिया और पता चला कि वो महाभ्रष्ट निकले। दूसरे 10 पैसे के बराबर भ्रष्ट थे तो वो 50 पैसे के बराबर महाभ्रष्ट निकले। तो अब हिंदुस्तान की कोई राजनीतिक पार्टी ये दम से नहीं कह सकती कि वो भ्रष्ट नहीं है। हर पार्टी में भ्रष्टाचार है, ऊपर से लेकर नीचे तक, बस अलग बात यह है कि कब कौन पकड़ गया और कब कौन नहीं पकड़ा गया। इसका मतलब यह हुआ है कि आज का पूरा राजनीतिक तंत्र ही भ्रष्टाचार के लिए चल रहा है, और दुर्भाग्य से हम कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र चल रहा है। ये लोकतंत्र कहां है भाई, ये तो लूट तंत्र चल रहा है। पहले अंग्रेज लूटते थे टैक्स लगा के, अब भारत सरकार लूट रही है आपको टैक्स लगा, और टैक्स पर टैक्स आप भरते चले जा रहे हैं, आपकी जेब खाली होती चली जा रही है, और टैक्स लगने से महंगाई बढ़ती चली जा रही है, महंगाई बढ़ने से गरीब लोगों की जिंदगी तकलीफ में आती चली जा रही है, लेकिन हरामखोर नेताओं को भ्रष्टाचार करने से कोई बात नहीं आ रहा। हर साल एक भ्रष्टाचार का मामला खुलता है, अगले साल उससे बड़ा खुलता है, फिर और बड़ा खुलता है, फिर और बड़ा खुलता है, और मैं 10-15 साल से देख रहा हूं जितने भ्रष्टाचारी बड़े बड़े नेता हैं कभी जेल नहीं जाते, कभी फांसी की सजा नहीं पाते। गरीब लोग इस देश में 10-15 रुपए की चोरी में जेल में ठूस दिए जाते हैं, लेकिन वित्त मंत्री स्तर के लोग जो हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करे तो भी जेल नहीं जाते, ऐसा न्यायतंत्र इस देश में चल रहा है। ये हमारी कानून और न्याय की व्यवस्था है, गरीब आदमी को जेल में डाल दो और बड़े, हाँ कोई गरीब आदमी गलती से किसी का मर्डर कर दे, इच्छा नहीं थी फिर भी गलती से हो गया, तो 14 साल जेल में सड़ता रहे, और ये हरामखोर नेता जानबूझकर 30-30 मर्डर करें, 35-35 मर्डर करें तो पुलिस उनको पकड़ती नहीं। आपको मालूम है हमारी संसद में 540 सांसद हैं लोकसभा में, उनमें से 170 सांसद ऐसे हैं जो नोटेड क्रिमिनल्स हैं। उनमें से एक सांसद तो ऐसा है जिसने 37 मर्डर किए और पुलिस उसको पकड़ नहीं पाती, और जिस पार्टी में ये सांसद है उसके विपक्षी कहते हैं कि हमने भी ऐसे ही सांसदों को टिकट दिया। उनकी पार्टी में 37 मर्डर वाला तो हमारे यहां 35 मर्डर वाला, तो तीसरे कहते हैं हमारे यहां 34 मर्डर वाला। 170 सांसद जिनको हथकड़ी लगनी चाहिए था, तिहाड़ जेल में होना चाहिए था, वो संसद में बैठे हैं कानून बनाने के लिए, तो न्याय कैसे स्थापित होगा जरा बताओ इस देश में। और ये जो हालत लोकसभा की है, राज्यसभा की कोई इससे अच्छी नहीं है। राज्यसभा में भी बहुत सांसद हैं जिनको जेल के अंदर होना चाहिए था, और जो राज्यसभा लोकसभा की हालत है वो विधानसभाओं की हालत है,
हमारे भारत की विधानसभाओं में 4,250 एमएलए हैं, जिनमें से 1,870 एमएलए नोटेड क्रिमिनल्स हैं, जिनको जेलों में होना चाहिए। उनको विधानसभाओं में कानून बनाने के लिए रखा गया है। और मुझे दुख इस बात का है कि इन क्रिमिनल्स, डकैत, चोर, उचक्के, लुच्चे, लफंगे, बदमाश लोगों के खर्चे भारत के नागरिकों के टैक्स के पैसे से होते हैं। आप ईमानदारी से हर साल लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स भरते हैं, आपके टैक्स के पैसे से इनकी पगार मिलती है, तनख्वाह मिलती है, टीए मिलता है, डीए मिलता है, और ये हरामखोर इतने नीचे गिरे हुए हैं कि जिस दिन चाहे उस दिन अपनी पगार बढ़ा लेते हैं। और संसद में सांसदों की पगार बढ़ाने का विधेयक जब भी पेश होता है 2 मिनट में पास होता है। भारत के लोगों के हित रक्षा के लिए अगर कोई कानून बनाना हो तो 50 साल नहीं बनता, और सांसदों के वेतन भत्ते बढ़ाने हो तो 2 मिनट में कानून बन जाता है। हमारे भारत की आजादी के समय महात्मा गांधी ने भारत के लोगों से एक वायदा किया था, आज तक नहीं हुआ वो पूरा। गांधी जी ने कहा था कि जिस दिन भारत में भारत के नागरिकों की सरकार बनेगी उसी दिन गाय की हत्या करने के विरोध में कानून बन जाएगा और पूरे देश में लागू हो जाएगा। ये गाय की हत्या रोकने का कानून 58 साल की आजादी के बाद भी नहीं बना है। हर साल 4.5 करोड़ गाय की हत्या इस देश में होती है, और भारत के किसी भी राजनीतिक पार्टी को इसमें रुचि नहीं है कि गाय की हत्या रोकने का कानून बने। लेकिन सांसदों के पगार और भत्ते बढ़ाने का कानून हर महीने, 2 महीने, 3 महीने में बन जाता है। और यहां तो कानून ऐसे भी बन जाते हैं कि एक व्यक्ति सांसद बना 3 महीने के लिए तो उसको जिंदगी पर्यंत पेंशन मिलती रहे, वो मर गया तो उसकी बीवी को पेंशन मिलती रहे, बीवी मर गई तो बच्चे को पेंशन मिलती रहे, माने जिंदगी भर की ठेकेदारी हो गई अगर एक बार आप सांसद बन गए या विधायक बन गए। और वेतन भत्ता तो लेते ही है, उसके अलावा फ्री हवाई जहाज टिकट, फोकट की बिजली, फोकट का पानी, फोकट का घर, क्या क्या उनको आप कल्पना कर सकते हैं। जितना 400-500 लीटर हर सांसद को एक साल का फोकट का पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, उनके सेक्रेटरीज रखने के लिए वेतन अलग से मिलता है, कागज पेन खरीदने के लिए अलग से पैसा मिलता है, माने भारत के राजा महाराजा जिस तरह से लूटखोरी करते थे उससे भी कई गुनी ज्यादा आजकल सांसद करते हैं। और इसलिए हर नेता सांसद बनना चाहता है और पार्टी में घुसकर टिकट लेना चाहता है। पार्टी भले उस टिकट को पैसे से बेचे लेकिन आदमी लेने को तैयार है, क्योंकि उसे मालूम है कि जितना वो देगा पार्टी को उससे कई गुना ज्यादा 5 साल में मिल जाने वाला है। इसलिए राजनीति अब एक धंधा बन गई है, और इतना निकृष्ट धंधा बन गई है जिसमें वैश्यावृत्ति से भी ज्यादा नीचे की गिरावट आ चुकी है। वैश्याओं को मैं मानता हूं, वो नेताओं से अच्छी है, क्योंकि जिससे पैसा लेती है रात भर उसी के साथ सोती है। ये नेता तो उससे भी नीचे गिरे हुए हैं, जिस पार्टी का टिकट लेके चुनाव जीतते हैं दूसरे दिन किसी दूसरी पार्टी में घुस जाते हैं। इन हरामखोरों को बिल्कुल शर्म नहीं है। और सत्ता में जाने के लिए, सरकार चलाने के लिए कैसे कैसे गठबंधन होते हैं, कैसे कैसे समझौते होते हैं। जीवन भर जिनको गालियां देते रहे उन्हीं के साथ बैठकर सरकार चलाते। आप देखो ना, कर्नाटक में 2 पार्टियां एक दूसरे को जिंदगी भर से गाली दे रही हैं, जनता दल एस और बीजेपी, अब दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं। ये है राजनीति की नैतिकता। वैश्याएं भी बहुत ईमानदार होती है कुछ मामलों में, नेता तो वैश्याओं से भी गिरे हुए हैं। ऐसे हालात इस देश में हैं, और मुझे बहुत दर्द है ये कहते हुए कि ऐसे ही देश के लिए भगत सिंह की कुर्बानी हुई है, ऐसे ही देश के लिए उधम सिंह की कुर्बानी हुई है, ऐसे ही देश के लिए खुदीराम बोस की कुर्बानी हुई है, और ऐसे ही देश के लिए सुभाष चंद्र बोस ने भारत छोड़ा। सालों साल भटकते रहे, कभी जर्मनी, कभी रूस, कभी सिंगापुर, और उस भटकन का आज ये नतीजा है कि भारत इतने निकृष्ट स्तर के नेताओं से घिरा हुआ देश बना हुआ है। ऐसे देश में आप बोले तो जनसंख्या बढ़ोतरी से गरीबी नहीं है, भ्रष्टाचार बढ़ोतरी से गरीबी है। जनसंख्या बढ़ोतरी से बेरोजगारी नहीं है, भ्रष्टाचार बढ़ोतरी से बेरोजगारी है। ऐसे देश में हम रहते हैं, कभी कभी शर्म आती है कि ये देश भगत सिंह का है, ऊधम सिंह का है, चंद्रशेखर का है, जिन्होंने सिर्फ अपने जीवन को दांव पर लगाया इसलिए कि आने वाली प्रजा, आने वाली पीढ़ी सुखी रहे।
अपना जीवन पूरा दांव पे लगाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी आप सब जानते हैं, आईसीएस में सेलेक्ट हुए थे, टॉपर थे, वो चाहते तो अंग्रेज सरकार की चाकरी करके लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते थे, लेकिन आईसीएस में टॉप करने के बाद भी अंग्रेजों की सबसे ऊंची नौकरी को लात मार दिया, ठोकर मार दिया और इस देश से निकल गए। दूसरे देश में जाकर भारत की आजादी के लिए संघर्ष किया, आर्मी बनाई और उस आर्मी से भारत पर हमला भी किया। अगर सुभाष चंद्र बोस को यह मालूम होता कि मेरे देश में आने वाले 50 साल के बाद इतने भ्रष्टाचारी नेता पैदा होते तो क्या वो ये संघर्ष करते? भगत सिंह ने तो 23 साल की उम्र में तय कर लिया फांसी पर जाना है, देश के लिए शहीद हो जाए। भगत सिंह को अगर ये मालूम होता कि आजादी के बाद इतने हरामखोर भ्रष्टाचारी नेता पैदा होंगे तो क्या भगत सिंह अपनी कुर्बानी देता? खुदीराम बोस ने तो अपनी उम्र के 15वें साल में इस देश में शहादत पाई। अगर खुदीराम बोस को मालूम होता कि मेरे देश के नेता इतने भ्रष्टाचारी निकलेंगे आजादी के बाद तो क्या खुदीराम बोस की कुर्बानी होती? और ये दो तीन नाम तो मैंने आपको ऐसे ही गिनकर बता दिए। भगत सिंह, उधम सिंह, खुदीराम बोस जैसे 6,40,000 क्रांतिवीर थे जिनकी कुर्बानियां हुई है, जिनकी शहादत हुई है, तब ये देश आजाद हुआ है 15 अगस्त 1947 को। आजादी ऐसे ही नहीं मिली है इस देश को, और अंग्रेजों ने थाल में रखकर हमको आजादी भेंट नहीं की है। आजादी लाने के लिए हमने मूल्य चुकाया है, कीमत चुकाई है, 6,40,000 क्रांतिवीरों की कुर्बानियां दी है। दुनिया के किसी देश में इतना बड़ा मूल्य नहीं चुकाना पड़ा आजादी के लिए। दक्षिणी अफ्रीका अंग्रेजों का गुलाम हुआ, 450 साल गुलाम रहा, 450 साल की गुलामी से आजादी लाने में दक्षिणी अफ्रीका में मात्र 90,000 कुर्बानियां हुई है। दक्षिणी अफ्रीका के 90,000 नेता शहादत में शहीद हुए हैं और भारत में मात्र 250 साल की गुलामी में 6,40,000 कुर्बानियां। अल्जीरिया नाम का एक देश फ्रांस का गुलाम रहा 300 साल और अल्जीरिया में मात्र 10,000 शहादत हुई है, कुर्बानियां हुई है और वो देश आजाद हुआ है। लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देश, चिली, कोस्टारिका, कोलंबिया, ये सब गुलाम रहे हैं अलग अलग समय पर ब्रिटेन के, अमेरिका के, लेकिन किसी ने इतनी कुर्बानी नहीं दी है। भारत दुनिया का अकेला देश है जिसने अपनी आजादी लाने में 6,40,000 क्रांतिवीरों की कुर्बानी दी है और ये कुर्बानी का मूल्य बहुत बड़ा है। इसलिए दिल में दर्द होता है कि आजादी के 50 साल के बाद ऐसा भारत देखने को मिल रहा है जो भयंकर गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी में डूबा हुआ है, जहाँ के किसान आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवान बिना रोजगार के सड़क पर मारे मारे फिर रहे हैं, गरीबी दिन ब दिन इतनी बढ़ती जा रही है कि लोगों को जंगलों से बीन कर विषैले फल खाने पड़ रहे हैं और उसके बाद उनकी हत्याएं हो रही है। ऐसा दृश्य इस देश में देखने को मिलता है। अभी लोगों के मन में एक प्रश्न आता है, वो ये, वो मुझे बार बार कहते हैं कि राजीव भाई ये इतना खराब हो गया है हमारा देश, इसको सुधारने का कोई रास्ता है क्या? इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, इसको ठीक करने का कोई उपाय है क्या? तो मैं सभी को ये कहता हूं कि भाई दुनिया की कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। भारत की ये जो समस्या इतनी बढ़ी हुई है इसका भी समाधान है, लेकिन इसका समाधान आपके पास है, राजनेताओं के पास नहीं है, आपके पास है, पार्टियों के पास नहीं है, आपके पास है, सरकारों के पास नहीं है। सरकारें बनती हैं और पार्टियां देश में सरकार बनाती हैं, वो आप जानते हैं, नितांत स्वार्थ के लिए। उसके पीछे कोई आदर्श नहीं होता, उसके पीछे कोई मान्यता नहीं होती है, कोई प्राथमिकता नहीं होती है। अगर कोई आदर्श होता, मान्यता होती, प्राथमिकता होती तो इस तरह के गठबंधन होते कभी? जो जिंदगी भर एक दूसरे को गाली देते हैं वो मिलके सरकार चलाते कभी इस देश? ये तो सारी की सारी सरकारें, सारी की सारी पार्टियां सब मिलकर अगर कुछ करते हैं तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, देश इसमें कहीं भी नहीं। वो जरूर आपको ये कहकर समझाएंगे कि हम सब देश के लिए करते हैं, ये सब झूठ बात है, वो जो भी करते हैं अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, नितांत स्वार्थ के लिए करते हैं। क्योंकि देश के लिए करना है तो बिना सरकार में जाए बहुत कुछ हो सकता है, बिना सरकार चलाए बहुत कुछ हो सकता है, बिना पार्टियों में जाए बहुत कुछ हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो देश के लिए बहुत कुछ करते हैं, सभी सरकारों में नहीं जाते हैं, सभी पार्टियां नहीं चलाते हैं, सभी सरकार भी नहीं चलाते।
बिना सरकार में जाए, बिना राजनीतिक दल बनाए हम देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं आपसे यही निवेदन करने आया हूं, आप भी इस देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आप बोलेंगे क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो इस देश को फिर से सोने की चिड़िया बना सकते हैं, आप चाहे तो इस देश को फिर से अमीर और श्रीमंत देश बना सकते हैं। अंग्रेज जब नहीं आए थे इस भारत में, 400 साल पहले की एक छोटी कहानी बताता हूं, ये देश बहुत अमीर देश था, बहुत पैसे वाला देश था, बहुत श्रीमंत देश था। अंग्रेजों के आने से और विदेशियों के आने से ये देश गरीब हुआ है। विदेशी अगर नहीं आते ये देश में तो ये देश कितना अमीर था, मैं 2-3 माहिती देता हूँ, जानकारी देता हूँ दस्तावेजों पर आधारित। भारत के बारे में 50,000 से ज्यादा दस्तावेज पिछले 12 साल में मैंने एकत्रित किए हैं, अलग अलग स्थानों से घूम घूम कर। लंदन में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, हाउस ऑफ कॉमन्स लाइब्रेरी उसका नाम है। उस हाउस ऑफ कॉमन्स लाइब्रेरी में भारत के बारे में लाखों दस्तावेज हैं, उनमें से 50,000 हम लोगों ने इकट्ठे किए। वो दस्तावेज बताते हैं कि जब अंग्रेज नहीं आए थे, विदेशी नहीं आए थे, तो भारत दुनिया में सबसे ऊंचे स्तर का देश था, जिसकी आमदनी हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा आमदनी वाला देश था। कितनी आमदनी थी, अंग्रेजों के आने के पहले तक इस देश की आमदनी पूरे दुनिया की आमदनी का 35% होती थी। माने जो टोटल वर्ल्ड इनकम है, पूरे विश्व की जो सकल आमदनी है, उसका 35% आमदनी अकेले भारत की थी। और दूसरी जानकारी कि दुनिया के बाजार में जितना सामान बिकता था उसमें भारत का सामान 33% बिक्री होता था। माने वर्ल्ड मार्केट में भारत का जो एक्सपोर्ट था वो 33% होता था। अब विश्व के बाजार की कुल आमदनी का 35% भारत का था, और विश्व के बाजार में जितनी वस्तुएं बिकती थी उसका 33% भारत बेचता था। इसका मतलब क्या हुआ, विश्व की लगभग 1/3 आमदनी भारत के पास थी और विश्व का लगभग 1/3 एक्सपोर्ट भारत के कब्जे में था। दूसरा कोई देश अगर भारत के सामने था, कॉम्पिटिशन देने वाला था, वो चीन था। विश्व की कुल आमदनी का 27% हिस्सा चीन के पास था, 35% भारत के पास था। विश्व के बाजार में कुल 22-23% सामान चीन के बिकते थे, 33% सामान भारत के बिकते थे। अब जब कोई देश इतना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है तो ये कैसे संभव हो सकता है? कोई देश से निर्यात हो रहा है तो ये तभी संभव होता है जब उस देश में उत्पादन हो, नहीं तो निर्यात किस चीज का करें? अगर प्रोडक्शन नहीं है तो आप एक्सपोर्ट क्या करें? इसका अर्थ यह हुआ कि 33% एक्सपोर्ट था वर्ल्ड मार्केट में, तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन कुछ होता होगा। तो मैंने वो जानने की कोशिश की तो पता चला 36 तरह के इंडस्ट्रीज इस देश में चलते थे, जब इंग्लैंड में एक भी इंडस्ट्री नहीं थी। इंग्लैंड में इंडस्ट्री शुरू हुई 1760 के बाद, जिसमें वो कहते हैं कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया। और भारत में इंडस्ट्रीज चलती थी अंग्रेजों के आने के बहुत साल पहले से। और यहां जो 36 तरह के उद्योग चलते थे उसमें सबसे बड़ा उद्योग था लोहा बनाने का उद्योग, स्टील बनाने की इंडस्ट्री भारत की सबसे बड़ी होती थी। और लोहा सबसे अच्छा भारत में इसलिए बनता था क्योंकि लोहे बनाने के लिए जो कच्चा माल लगता है आयरन ओर, वो सबसे अच्छे क्वालिटी का भारत में ही है। भारत में 4-5 राज्य ऐसे हैं जहां बेस्ट क्वालिटी आयरन ओर निकलता है। एक कर्नाटक है, दूसरा झारखंड है, तीसरा आपका पड़ोसी छत्तीसगढ़ है, चौथा एक राज्य है बहुत छोटा सा, उसका नाम है गोवा। ये 4 राज्यों में बेस्ट क्वालिटी आयरन ओर निकलता है, और एक 5वां राज्य है जहां कुछ कम क्वालिटी का आयरन ओर निकलता है, वो है मध्य प्रदेश। और अभी पता चला है कि उड़ीसा में भी बहुत अच्छे कच्चे लोहे का भंडार है, जिसको निकालने के लिए और स्टील बनाने के लिए बाहर के देशों की कंपनियां जीभ लपलपाते यहां उड़ीसा में आ रही है। आपने देखा भी नवीन पटनायक सरकार ने जो समझौते किए हैं विदेशी कंपनियों के साथ लोहा बनाने के लिए, स्टील बनाने के लिए। ये बाहर की कंपनियां क्यों आ रही है, वो कॉस्को स्टील यहां क्यों आया? इसलिए कि अभी पता चल गया थोड़े दिन से कि उड़ीसा में भी लोहे का भरपूर भंडार है। अभी तक ये माना जाता था कि छत्तीसगढ़ में ही कच्चा लोहा है, झारखंड में है, कर्नाटक में है, गोवा में है, मध्य प्रदेश में। अब पता चला उड़ीसा में भी बहुत अच्छा लोहा है और ऊंची क्वालिटी का है।
इसलिए हर विदेशी कंपनी की नजर उड़ीसा पर लगी हुई है कि यहाँ आओ और कच्चा लोहा निकालो खोद कर और उसको दुनिया भर में एक्सपोर्ट करो और उससे मुनाफा कमाओ। भारत में ये लोहे की उद्योग हजारों साल पुरानी है और लोहा बनाकर हम बेचने का काम बहुत साल से करते रहे हैं और भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हजारों साल तक लोहे का ही रहा है। और आप सोचो कि जब हम लोहा बेचते थे आज से 500 साल पहले तो बदले में हमको सोना मिलता था, चांदी मिलती थी, हीरे जवाहरात मिलते। उस जमाने में क्या होता था, करेंसी नहीं चलती थी, रुपया नहीं चलता। हम लोहा बेचते थे बदले में सोना मिलता था, लोहा बेचते थे चांदी मिलती थी, लोहा बेचते थे हीरे जवाहरात मिलते थे। आप सोचो दुनिया में ऐसा भी एक देश था जो लोहा बेचकर सोना कमाया और हजार साल हमने लोहा इतना बेचा कि भरपूर मात्रा में इस देश में सोना आ गया और सोना इतना ज्यादा आ गया कि भारत के नागरिकों ने सोने का न सिर्फ अपने जीवन में इस्तेमाल किया बल्कि बचे हुए सोने से इस देश में मंदिर बना दिए। सोने के मंदिर इसी भारत में मिलते हैं, दुनिया के किसी देश में सोने की मस्जिद नहीं है, दुनिया के किसी देश में सोने का गिरजाघर नहीं है, सोने के मंदिर इस देश में है। और आप क्या मानते हैं कि कितने सोने के मंदिर हैं? मैं जब भारत के विद्यार्थियों से पूछता हूं बताओ भारत में कितने सोने के मंदिर हैं तो कहते हैं अमृतसर का स्वर्ण मंदिर एक, बस इसके आगे बताओ तो मालूम ही नहीं। भारत के दस्तावेज बताते हैं कि भारत में 23,80,000 सोने के मंदिर हैं और इन मंदिरों में या तो मंडपम सोने का है, या तो छत्रपम सोने का है, या तो दरवाजे सोने के हैं, या तो खिड़कियां सोने की हैं, या तो दीवारों पर सोने की कारीगरी की गई है, या तो भगवान की मूर्ति सोने की है, या भगवान की मूर्ति के ऊपर लगा हुआ छत्र सोने का है, या दानपात्र सोने का है, या रेलिंग सोने की है। ऐसे 23 लाख से ज्यादा मंदिर हैं जो सोने के इस्तेमाल से बने हैं और इन मंदिरों में अभी कितना सोना आता है और 500 साल पहले कितना आता होगा कल्पना करें। एक मंदिर है तिरुपति बालाजी का जहां हर साल आज भी 350 किलोग्राम सोने का दान आता है, इतने गरीबी के बाद भारत में। भारत में जब 44 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं तब इस देश में एक मंदिर है तिरुपति बालाजी जहां हर साल 350 किलो सोने का दान आता है। दूसरा मंदिर है वैष्णो देवी का जहां हर साल 280 किलो सोने का दान आता है। ऐसे भारत में हजारों मंदिर हैं। जब 500 साल पहले भारत दुनिया का सबसे अमीर देश था तब इन मंदिरों में कितना सोने का दान आता होगा सोचो, अब गरीबी के समय में इतना आता है तब कितना आता होगा। और आपको शायद मालूम नहीं है तिरुपति बालाजी के सोने के दान का, माने तिरुपति बालाजी के मंदिर में आए हुए सोने के दान का आंध्र प्रदेश की सरकार अपने बजट के लिए इस्तेमाल करती है। ये स्थिति हमारे मंदिरों की है। तो कोई देश सोने के मंदिर कब बनाता है, जब उस देश में जरूरत से ज्यादा सोना आता है। और जरूरत से ज्यादा सोना भारत में कहां से आया, भारत की जमीन में तो सोना पैदा होता नहीं है। भारत में सिर्फ एक जिला है कर्नाटक में कोलार जहां सोना निकलता है, बाकी तो कहीं सोना निकलता नहीं है। ये सारा सोना विदेशों से आया है और पिछले हजार साल जो हमने निर्यात किया लोहे का, एक्सपोर्ट किया, उसके बदले में ये सोना पाया है। ऐसा देश रहा है भारत, इसलिए इस देश को सोने की चिड़िया कहा गया। और सिर्फ लोहे का ही निर्यात नहीं होता था इस देश से, कपड़े का निर्यात होता था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसकी बहुत अच्छी थी, मसालों का निर्यात इस देश से बहुत ऊंचे स्तर पर होता था, दवाओं का निर्यात बहुत होता था, आयुर्वेद में 36 तरह के प्रोडक्ट्स थे जिनका एक्सपोर्ट होता था, उसके बदले में सोना चांदी हीरे जवाहरात मिलते थे और वो पैसा इतना अधिक था कि ये समृद्धशाली देश बना और ये सोने की चिड़िया देश बना। और ऐसे इतनी बड़ी लूटमार एक एक मंदिर की हुई तो संपत्ति कितनी रही होगी, समृद्धि कितनी रही होगी। तो ये समृद्धशाली देश था, पैसा वाला देश था, श्रीमंत देश था, इसलिए विदेशी इसको लूटने के लिए आए। कुछ विदेशी आए अपनी सेनाएं लेकर इस देश को लूटने के लिए, कुछ विदेशी आए जिन्होंने सेनाएं लूटने के बाद इस देश में राज भी किया और लगातार लूटते रहे, और कुछ विदेशी ऐसे आए जिन्होंने कंपनियां बनाई और कंपनियों की मदद से लूटा और बाद में इस देश पर 250 साल राज किया। ये थे सब लुटेरे, चाहे अंग्रेज हो, चाहे फ्रांसीसी हो, चाहे डच लोग हो, चाहे मुगल बादशाह रहे हो, चाहे
खैबर दर्रे से आने वाले इस्लाम को मानने वाले राजा रहे हो, ये सब लुटेरे थे, लूटने आए थे इस देश को, कोई देने के लिए नहीं आया था कुछ, यहां से ले जाने के लिए आए थे, और ये लूट होती रही, और हम मूर्ख लोग हिंदुस्तानी अपने को लुटवाते रहे, और इस लूटवाने में हमारा जो एक सिद्धांत था वो सबसे ज्यादा मदद करता रहा, अतिथि देवो भव, जिसको भी कहो अतिथि देवो भव, माने कोई भी विदेशी लुटेरा आया, अतिथि देवो भव, आ जाओ भाई खीर पूड़ी खाओ, लूट के लेके जाओ इस देश। इतिहास के दस्तावेज बताते हैं कि दक्षिण भारत में केरल राज्य में कालीकट का एक राजा था झामोरिन, उसने वास्को डिगामा को बुलाया अतिथि देवो भव, तो वास्को डिगामा ने पूरे कालीकट को लूटा और झामोरिन की हत्या करके वो कालीकट का राजा बन गया वास्को। इतिहास के दस्तावेज बताते हैं कि गुजरात में सोमनाथ के राजा ने महमूद गजनवी को बुलाया अतिथि देवो भव, और महमूद गजनवी ने सोमनाथ के राजा की हत्या की और मंदिर को लूटकर 17 साल लगातार संपत्ति ले जाता रहा, अतिथि देवो भव। हमको ये मालूम ही नहीं है कि अतिथि लुच्छे होते हैं, लफंगे होते हैं, लपट होते हैं, बलात्कारी होते हैं, लुटेरे होते हैं, डाकू होते हैं, हम मानते रहे कि अतिथि तो देवता होते हैं, होते थे सतयुग में, कलयुग में नहीं। रामचंद्र जी का जमाना था तो अतिथि देवो भव होते होंगे, कृष्ण के जमाने में अतिथि देवो भव होते होंगे, आज घोर कलयुग में अतिथि खतरनाक भी होते हैं। और हम अगर ये समझ पाते तो शायद अंग्रेज हमको लूट नहीं पाते और मुगल राजाओं की सल्तनत इस देश में चल नहीं पाती, क्योंकि हम ये समझ नहीं पाए कि अतिथि भी लुटेरे होते हैं, डाकू होते हैं, चोर लुच्चे लुच्चे लफंगे होते हैं, हमने हर अतिथि को आने दिया और लूट कर ले जाने दिया, और ये सिलसिला चलता रहा लगभग 10वीं शताब्दी से लेकर 1947 तक। अब क्या हुआ, अब हमारे देश में फिर नेता ऐसे आ गए हैं जो विदेशियों को कह रहे हैं अतिथि देवो भव, आ जाओ फिर लूट के लेके जाओ इस देश। हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री है ना मनमोहन सिंह, ये तो बाहर वालों को बुलाने के चैंपियन, नवीन पटनायक डिप्टी चैंपियन, और ये दोनों जाते हैं विदेश यात्राओं पर और विदेशियों को बुला बुला के लाते हैं, आओ भाई उड़ीसा को लूट के लेके जाओ, आओ भाई पूरे भारत को लूट कर लेके जाओ। ये मनमोहन सिंह पिछले साल 8 जुलाई सन 2005 को लंदन गए, लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने एक भाषण दिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मनमोहन सिंह को डॉक्टरेट की डिग्री दी, तो बदले में इन्होंने वहां भाषण दिया, और भाषण सुनेंगे तो आपका शर्म से सिर झुक जाए ऐसा भाषण दिया। मनमोहन सिंह ने कहा कि हमने 400 साल पहले अंग्रेजों के लिए भारत का दरवाजा खोला था, आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, भारत को 250 साल उसने लूटा था, मैं दोबारा निमंत्रण देने आया हूं, मैंने भारत के सारे दरवाजे खोल दिए हैं, आप आइए और भारत को लूट कर लेके जाइए। ये मनमोहन सिंह का भाषण 8 जुलाई सन 2005 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बोला गया। अगले दिन 9 जुलाई 2005 को लंदन के सब अखबारों में छपा कि भारतवासी 107 करोड़ लोगों को चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए जो उनका प्रधानमंत्री इतनी गुलाम मानसिकता का है, जो अभी भी अंग्रेजों को भूला नहीं है और फिर बुलाने आ गया कि आओ और इस देश को लूट के ले जाओ। और आप जानते हैं कि ये व्यक्ति जब से प्रधानमंत्री बना है तब से हर क्षेत्र इसने विदेशियों की लूट के लिए खोल दिया है। भारत में आइए कोई भी क्षेत्र में लूटने के लिए आपका स्वागत है। तो अब परिणाम क्या हुआ, ये व्यक्ति जो आज भारत का प्रधानमंत्री है यही व्यक्ति लगभग 5-6 साल तक वित्त मंत्री भी रहा इस देश का, 1991 से 1996 तक इसने भरपूर मात्रा में विदेशी कंपनियों को बुलाया, फिर इसके बाद जितने भी वित्त मंत्री आए उन्होंने भी इसी के रास्ते पर चलने का काम किया। यशवंत सिन्हा आए, उन्होंने भी विदेशियों को बुलाना शुरू किया लूट करवाने के लिए। तो पिछले 10-12 वर्षों से इस देश में नीति चला दी है, उसका नाम है ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, और उसमें विदेशियों को बुला रहे हैं लूट लूट के लेके जाओ, सारे दरवाजे खोल दिए हैं लूट के। और कितनी बड़ी लूट हो रही है इस देश की, कुछ उदाहरण आपको देता हूं ताजा ताजा। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा भारत के हवाई जहाज जहां उतरते हैं और जहां से चढ़ते हैं हवाई अड्डों को लूट करने के लिए विदेशियों को खोल दिया है।
दिल्ली का हवाई अड्डा और बंबई का हवाई अड्डा दोनों विदेशी कंपनियों को लूटने के लिए दे दिया है। आप जानते हैं ये दो हवाई अड्डों के पास 44,000 एकड़ जमीन है। आप जरा ध्यान से सुनना, दिल्ली हवाई अड्डा और मुंबई हवाई अड्डा दोनों के पास 44,000 एकड़ जमीन है और 1 एकड़ जमीन की कीमत 2 करोड़ रुपए है। माने दोनों हवाई अड्डों के पास लगभग 90 से 95 हजार करोड़ रुपए की जमीन है और इन दोनों हवाई अड्डों को विदेशी कंपनियों को मात्र 5.5 हजार करोड़ रुपए में दे दिया है। ऐसे लूटने के लिए इस देश को खोल दिया। और अब जिस सरकार ने यह सारा धंधा किया, गोरख धंधा किया कि दिल्ली और मुंबई के हवाई अड्डे विदेशी कंपनियों को दे दिए, वो विदेशी कंपनियां कह रही हैं कि हम यहां हर साल 1500-1600 करोड़ रुपए कमाएंगे, 40 साल के लिए उनको दोनों हवाई अड्डे मिल गए। तो 40 साल में 80 से 90 हजार करोड़ रुपए लूट कर लेके जाएंगे वो यहां से। ऐसे हमारा देश चल रहा है। और भला हो कम्युनिस्ट पार्टियों का जिन्होंने ऐसे लूटखोर प्रधानमंत्री की सरकार को समर्थन दिया। मेरे बहुत सारे कम्युनिस्ट मित्र हैं सीपीएम में, सीपीआई में। मैं कहता हूं आप सरकार गिराते क्यों नहीं? खुलेआम ये सरकार विदेशियों के हाथ में देश की लूट करवा रही है। 44,000 एकड़ जमीन जो 90,000 करोड़ रुपए की है आज के बाजार मूल्य पर, उसको मात्र 5 से 6 हजार करोड़ में विदेशी कंपनियों को बेच दिया जिस सरकार ने, और आपका खून अभी भी नहीं खौलता है। सरकार से समर्थन वापस क्यों नहीं लेते? गिराते क्यों नहीं इस सरकार को? तो कम्युनिस्ट कहते हैं ये सरकार जाएगी तो दूसरी आएगी, तो आने दो, और दूसरी सरकार भी ऐसा करे तो उसको भी गिराओ, तीसरी करे उसको भी गिराओ, और तब तक गिराते रहो जब तक कोई ठीक सरकार इस देश में नहीं आ जाए। आपको क्या पड़ी है? आपको तो सत्ता में जाने नहीं है, आपको तो कुर्सी पे बैठना नहीं है, आपके मन में तो सत्ता का लोभ नहीं है, लालच नहीं है, तो फिर आप इस सरकार से मोह क्यों करते हैं इतना? गिरती है तो गिरने दो। कौन सी ऐसी खास बात है सोनिया गांधी में, कांग्रेस में, राहुल गांधी में, जिसका मोह आपको जकड़ के बैठा हुआ है कि हम इस सरकार को गिरने नहीं देंगे? भले देश को लूटने दे ये सरकार, हम इसको गिरने नहीं देंगे। ऐसी लूटखोरी मची है। आप सोचो, दो हवाई अड्डे की दो बड़ी विदेशी कंपनियां आ गई, एक अफ्रीका की है और एक यूरोप की है, दोनों लूटेंगी, लूट के यहां से पैसे लेके जाएंगी। हवाई अड्डे को विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया, टेलीकम्युनिकेशन विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया। टेलीकम्युनिकेशन कितना जबरदस्त लूटमारी का क्षेत्र है आपको अंदाजा है? इस टेलीकम्युनिकेशन में विदेशी कंपनियों को इन्होंने बुलाया, हच कंपनी आई, फिर उसके बाद 3-4 और विदेशी कंपनियां आई। इन कंपनियों ने, आपको याद है, 1-1 मिनट की कॉल 16 रुपए में करवाई है आपको। 1 मिनट बात किया आपने एयरटेल के फोन से, हच के फोन से, तो 16 रुपए दिया है। आज 1 मिनट की बात आपको 2 रुपए में, 3 रुपए में हो रही है। आप सोचो कितना लूटमार किया है इन लोगों ने। जो आज 1 मिनट बात फोन पर 3 रुपए में हो सकती है, तो आज से 3-4 साल पहले भी वो 3 रुपए में ही होती थी, लेकिन उसमें 14 रुपए लूटा जाता था आपकी जेब से। ये ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ, लिबरलाइजेशन नहीं हुआ, लूट का खुला खेल हुआ है इस देश में। टेलीकम्युनिकेशन में भयंकर लूट किया इन्होंने भारत की, और उसमें पूरी 100% विदेशी पूंजी निवेश की खुली छूट है। ऐसे हमारे देश के हर सेक्टर को लूट के लिए छोड़ दिया विदेशियों के हाथ में। पानी बेचने के लिए विदेशी कंपनी आ गई, सॉफ्ट ड्रिंक के लिए आ गई, टूथपेस्ट के लिए आ गई, साबुन बेचने के लिए, मंजन बेचने के लिए, टमाटर की चटनी, आम का अचार बेचने के लिए, पाव रोटी, डबल रोटी, हर चीज विदेशी कंपनियां बेचे हैं, उसके लिए दरवाजे खुल गए हैं। परिणाम क्या हुआ? 400 साल पहले एक कंपनी आई थी लूटने के लिए, अब भारत में 4,500 कंपनियां आ गई लूटने के लिए। 400 साल पहले एक कंपनी लूटती थी हर साल 70 करोड़ स्टर्लिंग पाउंड, अब 4,500 कंपनियां लूटती हैं हर साल 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का धन। आजादी के पहले जितनी लूट होती थी, आजादी के बाद उससे 1,000 गुनी ज्यादा हो रही है। और हम ताली पीट रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, 26 जनवरी मना रहे हैं, और लूट कितने बड़े पैमाने पर चल रही है। आप जरा छोटे छोटे हिसाब लगा के देखो, अमेरिका की कुछ कंपनियां आई हैं भारत में, बटाटा चिप्स बेचती है। बटाटा चिप्स माने आलू का चिप्स, पोटैटो चिप्स। एक पैकेट खरीदो 15 रुपए का आता है, और उसमें आलू का चिप्स, पोटैटो चिप्स मात्र 15 ग्राम ही निकलता है।
एक बार मैंने एक आलू के चिप्स का पोटेटो चिप्स का पैकेट खरीदा, रफल्स नाम के ब्रांड नेम से बिकता, वो अमेरिकन कंपनी का है। जैसे ही उसको खोला तो उसमें आधे से ज्यादा हवा निकल जाती। पोटेटो चिप्स को बहुत कम है हवा, उससे ज्यादा। फिर मैंने खोल के उसको वजन कराया तो 15 ग्राम आलू का चिप्स निकला उसमें, और 15 रुपए का। मैंने तुरंत हिसाब जोड़ा कि अगर 15 रुपए का 15 ग्राम आलू का चिप्स है, इसका माने 1 किलो आलू का चिप्स 1000 रुपए का है। माने 1000 रुपए किलो पोटेटो चिप्स बेच रही है एक विदेशी कंपनी, जिसको आलू मिलता है इस देश में 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो। हमारा किसान आलू पैदा करे तो वो बेचता है 2 रुपए किलो, और परदेशी कंपनी उस आलू से चिप्स बनाए तो बेचती है 1000 रुपए किलो। आप सोचो लूट कितनी बड़ी हो रही है। और भारत देश के पढ़े लिखे इडियट क्लास के लोग वही आलू का चिप्स खा रहे हैं। उनके घर में उनकी अम्मा के हाथ का बनाया हुआ आलू का चिप्स है, लेकिन उनको पसंद नहीं आता क्योंकि अम्मा के हाथ का है, क्योंकि अम्मा भी पसंद नहीं आती अब तो उसके हाथ का आलू का चिप्स क्यों पसंद आएगा। वो विदेशी कंपनी का बनाया हुआ आलू का चिप्स खा रहे हैं और कह रहे हैं हम तो बहुत स्मार्ट हैं, कितने इडियट हैं जरा इसका अंदाजा लगा। एक परदेशी कंपनी आई है, वो पानी बेच रहे 15 रुपए लीटर की पानी की बोतल एक्वाफिना। अब 15 रुपए लीटर का पानी बिकता है, मेरे गांव में गाय का दूध 10 रुपए लीटर का बिकता है। गाय का दूध 10 रुपए लीटर, पानी 15 रुपए लीटर। पर वित्त मंत्री को पूछो क्या हो रहा है तो कहते हैं डेवलपमेंट हो रहा है देश। पानी सस्ता है दूध महंगा, दूध सस्ता है पानी महंगा, डेवलपमेंट हो रहा है। और उसको पूछो भाई ये एक्वाफिना कंपनी जो पानी बेच रही है, पानी कहाँ अमेरिका से लाती है? नहीं लाती, पानी हमारे ही भारत का है, हमको ही बेचती है और लूट कर मुनाफा अमेरिका लेके जा रहे। पानी तो फोकट में मिलता है, बारिश होती है तो इंद्र देवता हमको पानी देते हैं, फोकट में देते हैं, उसका कोई खर्चा नहीं है। ये कंपनी उसको बोतल में भर के 15 रुपए लीटर में बेच लेती है। सोचो कितने 1000% मुनाफा। एक परदेशी कंपनी विदेशी कंपनी टमाटर की चटनी बेच रही है, उसका नाम है मैगी। 200 रुपए किलो टमाटर की चटनी है और 2 रुपए किलो टमाटर मिलता है। आप हिसाब लगाओ कितने 1000% मुनाफा। एक तो विदेशी कंपनी भारत में आके क्रीम बेच रही है, उस क्रीम का नाम है फेयर एंड लवली। लगाने वाले कितने मूर्ख हैं, मैं उनको पूछता हूँ क्यों लगा रहे हो ये फेयर एंड लवली, कहते हैं इससे गोरापन आता है। अच्छा, फेयर एंड लवली लगा के सब गोरे होते तो अफ्रीका वाले अभी तक काले कैसे रह गए? मैंने एक बार कुछ पढ़े लिखे इडियट क्लास के लोगों के लिए एक परीक्षण किया। एक भैंस को 4 साल फेयर एंड लवली लगाया, रगड़ रगड़ के लगाया, आज तक वो गोरी नहीं हुई, काली की काली है। फिर भी पढ़े लिखे इडियट्स को समझ में नहीं आता कि ये फेयर एंड लवली से कोई गोरा नहीं होता, जो गोरे हो जाते तो भैंस नहीं हो जाते। और ये फेयर एंड लवली का रेट क्या है? 25 ग्राम 40 रुपए की है, 50 ग्राम 80 रुपए की, 100 ग्राम 160 रुपए की, 1 किलो 1600 रुपए की। पढ़े लिखे इडियट लोग 1600 रुपए किलो फेयर एंड लवली चुपड़ते हैं चेहरे पे, 150 रुपए किलो गाय का घी नहीं खाते, 1600 रुपए किलो की क्रीम चुपड़ते हैं। सोचते हैं हम बहुत स्मार्ट है, इडियट है कि स्मार्ट है, अभी ये तय करना बाकी। कुछ विदेशी कंपनियां टूथपेस्ट बेचती है, कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिवाका, फॉरेंस। 100 ग्राम टूथपेस्ट 27 रुपए का है, 1 किलो हो गया 270 रुपए का। अब पढ़े लिखे मूर्ख लोग क्या करते हैं, 270 रुपए किलो टूथपेस्ट खरीदते और मुंह में रगड़ते और वॉश बेसिन में थूकते। कैसे पागल लोग 270 रुपए किलो की चीज रगड़ के थूक रहे हैं और 150 रुपए किलो गाय का घी रोटी पे लगा के खा रहे हैं। कहते हैं जी हम बहुत स्मार्ट है। मैं कहता हूँ ज्यादा स्मार्ट बनो। पूछते हैं क्या करें, मैं कहता हूँ ये 270 रुपए किलो का इतना महंगा टूथपेस्ट है, इसको क्यों थूकते हो? यही रोटी पे लगा लगा के खाओ, गाय के घी से तो महंगा है। और अब तो विज्ञापन में आता है कि कॉलगेट में कैल्शियम है, कॉलगेट में फॉस्फोरस है, तो रोटी पे लगा के खाओ तो कैल्शियम शरीर को काम आएगा, फॉस्फोरस भी काम आएगा।
सब्जी खाने की क्या जरूरत है, भाजी खाने की क्या जरूरत है, कोलगेट और रोटी मिला के खाओ, कोलगेट और चावल मिला के खाओ, क्योंकि कैल्शियम फॉस्फोरस है। ऐसी लूटमार हो रही है इस देश, कोई कहानी इस देश की कहो लिमिट नहीं है, इतने लूट रहे हैं। और ये लूटखोरी में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग शामिल है। एक विदेशी कंपनी आई है पेप्सी कोला, दूसरी है कोका कोला, वो पानी की बोतल बेच बेच कर लूट रहे हैं इस देश को। 10 रुपए की बोतल बेचते हैं जो 70 पैसे में बनती है। विज्ञापन का खर्च 30 पैसे आता है, टैक्स 1 रुपए जाता है, 1 रुपए दुकानदार को मिलता है, माने कुल 3 रुपए खर्चा कंपनी का होता है। बोतल 10 रुपए में बेचते हैं और पीने वाले उसको खरीदते हैं और 7 रुपए मुनाफा एक बोतल पे उनको होता है। हर साल 700 करोड़ बोतल बेचते हैं और 5000 करोड़ लूट के ले जाते हैं इस देश। और जो भी ये पेप्सी कोका कोला पीते हैं उनको मैं पूछता हूँ, भाई क्यों पी रहे हो, 5000 करोड़ रुपए देश का नुकसान हो रहा है। तो कहते हैं हम इसलिए पीते हैं कि आमिर खान बोलता है, ठंडा मतलब कोका कोला। आमिर खान तो इसलिए बोलता है कि उसको बोलने का पैसा मिलता है। आमिर खान को ठंडा मतलब कोका कोला ये बोलने का 3 करोड़ मिलता है। और आमिर खान खुद कहता है कि मुझे पैसा मिले तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। पैसे के लिए ये सिनेमा में नाच गाना करने वाले लोग क्या क्या करते हैं, मैं एक उदाहरण देता हूँ। अमिताभ बच्चन जो अभी बहुत भयंकर रूप से बीमार है, थोड़े दिन पहले तक ये कैडबरीज चॉकलेट का विज्ञापन करता था। कैडबरीज एक विदेशी कंपनी है, उसके चॉकलेट में कीड़े मिलते हैं, कीड़े निकलते हैं, बार बार ऐसा हुआ है, कई बार उसके ऊपर केस चले, लेकिन हर बार वो कंपनी अमिताभ बच्चन को पैसा देके बुलवाती है कि कैडबरीज चॉकलेट बहुत अच्छा है। तो अमिताभ बच्चन विज्ञापन में क्या बोलता था, अभी बीमार होने के पहले तक, एक छोटी बच्ची आती है उसको बोलता, देखो मैं 63 बरस से कैडबरीज चॉकलेट खाता हूँ, तुम भी खाओ, माने ये एकदम अच्छी है, सुरक्षित है। मैंने एक दिन सोचा ये अमिताभ बच्चन क्या बोल रहा है, 63 बरस से कैडबरीज चॉकलेट खाता, और अमिताभ बच्चन का कुल उम्र 63 बरस है। और 63 बरस से कैडबरीज चॉकलेट खा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जिस दिन उसका जन्म हुआ उसकी अम्मा ने सीधे उसके मुंह में कैडबरीज का चॉकलेट फूंक दिया। उसकी अम्मा ने दूध नहीं पिलाया, सीधे कैडबरीज चॉकलेट पिलाया, और यही परिणाम हुआ कि अमिताभ बच्चन इतना गंभीर बीमार हुआ। जो अम्मा का दूध पिया होता तो ये बीमारी क्यों आती, पैदा होते ही कैडबरीज चॉकलेट खाया तो ऑपरेशन करना पड़ा, हाथें काट के निकालनी पड़ी है उसकी। आपको मालूम है अमिताभ बच्चन का क्या ऑपरेशन हुआ, डाइवर्टिकुलाइटिस। इसमें क्या होता है, आंत को काट के निकालना पड़ता है, अंतड़ियों को काट के, इंटेस्टाइन को काट के निकालना पड़ता है, क्योंकि वो सड़ जाती है, वही हुआ है उसको। तो आप सोचो ये विज्ञापन करने वाले आमिर खान, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, ये तो ऐसे हैं पैसे के लिए कुछ भी करते। आपने देखा ये पैसे के लिए क्या क्या करते हैं, पैसे के लिए ये डांस करते हैं, ज्यादा पैसा मिलो तो शर्ट उतार के डांस करते हैं। वो देखा सलमान खान हमेशा डांस करता, टी शर्ट उतार देता। एक बार हमने उसको पूछा, भाई तुम ये शर्ट उतार के डांस क्यों करते, तुमको कुछ खाज हो गई है, खुजली हो गई है, कुछ त्वचा रोग हो गया है, कुछ स्किन डिसीज हो गई है, क्यों बार बार शर्ट उतारते। तो कहता मुझे शर्ट उतारने का पैसा मिलता है, कितना, 70 लाख। तो मैंने कहा भाई 70 लाख मिलता है तो शर्ट उतारते, 1 करोड़ मिलेगा फिर क्या उतारोगे, पेंट उतारेगा, 2 करोड़ मिलेगा तो कुछ भी उतारेगा, उसको कोई शर्म नहीं है, उसको पैसा चाहिए। ये सिनेमा में नाच गाना करने वाले पैसे के लिए विज्ञापन करते हैं, और भारत के पढ़े लिखे मूर्ख लोग ये विज्ञापन देखकर विदेशी चीजें खरीदते हैं और सोचते हैं कि इसमें क्वालिटी है, वास्तव में क्वालिटी नहीं है, क्योंकि जिन वस्तुओं का विज्ञापन होता है उनमें क्वालिटी नहीं होती, और जिन वस्तुओं में क्वालिटी होती है उनका विज्ञापन नहीं होता। आपने कभी टीवी चैनल पर गन्ने के रस का विज्ञापन देखा, नींबू के शिकंजी का विज्ञापन देखा, संतरे के रस का, मौसमी के रस का विज्ञापन देखा, नहीं, क्योंकि इन सभी में क्वालिटी है। पेप्सी को का भयंकर विज्ञापन है क्योंकि क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी क्यों नहीं है, क्योंकि पेप्सी को बनता है जिस केमिकल से, वो केमिकल बहुत खराब है। पेप्सी को बनाया जाता है 14 केमिकल्स से, उसमें से पहला केमिकल है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड से दुनिया में 2 ही चीजें बनती है, एक तो पेप्सी कोका कोला बनता है, दूसरा टॉयलेट क्लीनर फिनाइल बनता है, हार्पिक्स।
आपने देखा विज्ञापन आता हार्पिक बेस्ट क्वालिटी टॉयलेट क्लीनर, एकदम झकाझक संडास को साफ करता है हार्पिक, क्योंकि हार्पिक में फॉस्फोरिक एसिड है, वही फॉस्फोरिक एसिड पेप्सी कोक में भी मिलाया जाता है। जिस दिन मुझे यह पता चला कि हार्पिक और पेप्सी दोनों की क्वालिटी बराबर है, उस दिन मैंने मेरे घर में पेप्सी से संडास साफ करके देखा, बहुत अच्छा साफ हुआ। मैंने एक बार क्या किया, मेरे घर में 30 दिन एक महीने टॉयलेट साफ नहीं किया, वो बहुत गंदा 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 हो गया। फिर मैं एक बोतल पेप्सी खरीद के लाया, टॉयलेट पॉट पे स्प्रे किया, 2 मिनट के बाद पानी से धोया तो झकाझक सफेद, व्हाइट एंड व्हाइट। उस दिन से मैंने विज्ञापन करना शुरू किया, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। और मुझे बहुत दुख होता है कि पढ़े लिखे इडियट लोग इस टॉयलेट क्लीनर को पीते रहते हैं, और अकेले नहीं पीते, घर में आने वाले अतिथि को भी पिलाते रहते हैं। एक तरफ कहते हैं अतिथि देवता होता है, उसी को संडास साफ करने का पानी पिलाते हैं, और अतिथि भी इतने मूर्ख है कि घर में घुसते ही कहते ठंडा लाओ, मैंने टॉयलेट क्लीनर पिलाओ। और कहीं कहीं मैंने देखा ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को अगर ये पेप्सी को फोकट में मिले तो 20-20 बाटली घटक लेते हैं। फोकट में मिल रहा है तो क्या संडा साफ करने का फिक्र होगी। ये हिंदुस्तान पढ़े लिखे लोगों ने बिगाड़ दिया। मैं आपको पूरी गंभीरता से कह रहा हूं, मैंने मेरी जिंदगी में आज तक बिना पढ़े लिखे नागरिक को पेप्सी पीते नहीं देखा। जो व्यक्ति अनएजुकेटेड है, स्कूल नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, वो हाईली इंटेलिजेंट है, वो गन्ने का रस पीता है, संतरे का रस पीता है, मौसमी का रस पीता है, नींबू की शिकंजी, नारियल का पानी, कुछ नहीं मिलेगा, शुद्ध पानी पीता है। लेकिन पढ़ा लिखा इडियट क्लास पेप्सी पीता है, कोक पीता है, थम्सअप पीता है, और दूसरों को भी पिला, फोकट में मिले तो बाटली पे बाटली कटक जाए। परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है पेप्सी कोक थम्सअप लिम्का सिट्रा मिरिंडा, ये जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं इनके दुष्परिणाम बहुत भयंकर हैं। अब मैं आपको एक गंभीर बात बताता हूं, भारत देश में हम लोगों ने पेप्सी कोका कोला कंपनी के खिलाफ दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में एक केस करवाया। पहले हमने हाई कोर्ट राजस्थान में किया, बाद में सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में किया। उस मुकदमे में हमने पेप्सी कोका कोला कंपनी को यह कहा कि आप सिद्ध करो कि आपका ये जो पानी है ये सॉफ्ट ड्रिंक है, इसमें ऐसे कौन से केमिकल हैं जो इसको सॉफ्ट बनाते हैं। तो ये मुकदमा चला, कंपनी उसमें हार गई, हम जीत गए। क्यों हार गई? क्योंकि भारत सरकार ने पेप्सी कोका कोला का जो सॉफ्ट ड्रिंक है, जिसको वो कहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक, उसको जांच करने के लिए प्रयोगशालाओं में भेजा। भारत की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है मैसूर में, उसका नाम है CFTRI। उस प्रयोगशाला में पेप्सी कोका कोला की जांच की गई। जांच करने से पता चला कि पेप्सी कोका कोला में जहर मिलाया हुआ है, और वो जहर क्या है? पेप्सी कोका कोला में 1-2 नहीं 14 जहर मिलाए हुए हैं। एक जहर है, उसका नाम है DDT। DDT आप समझते हैं मच्छर मारने के काम आता है, मॉस्किटो रिपेलेंट। दूसरा जहर उसमें मिलाया हुआ है, उसका नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड माने गैमेक्सिन पाउडर, अर्थात कछुआ छाप मच्छर अगरबत्ती, इसी से बनती है बेंजीन हेक्साक्लोराइड से, वो पेप्सी कोक में मिलाते हैं। फिर तीसरे केमिकल उसमें डालते हैं, उसका नाम है मेलाथियोन। फिर एक केमिकल डालते हैं एंडोसल्फान। फिर एक केमिकल डालते हैं उसमें क्लोरोपाइरीफॉस। ऐसे 14 खतरनाक केमिकल मिलाकर पेप्सी कोक बनता है। जब ये कंपनी का पेप्सी कोका कोला का केमिकल एनालिसिस मैसूर CFTRI लेबोरेटरी ने किया और ये रिपोर्ट आया, तो ये भारत के काफी अखबारों में छपा, टीवी चैनलों पर भी ये आया, काफी इस पर चर्चा भी हुई। उसी समय मेरे घर में एक समस्या हुई थी, मैं उसकी कहानी सुनाता हूं। मेरे माता पिता दोनों किसान हैं और खेती करते हैं, उत्तर भारत में अलीगढ़ जिले में हमारा गांव है। हमारे घर में कपास की खेती बहुत होती है, तो उसी समय जब ये कहानी चल रही थी पेप्सी कोका कोला की, हमारे घर की कपास की खेती पर भयंकर कीड़े आ गए, पेस्ट आ गए, इंसेक्ट आ गए। तो मेरे पिताजी बहुत परेशान थे, उन्होंने मुझे एक दिन फोन पर पूछा कि क्या करना है, कपास की खेती बर्बाद हो रही है, इतने सारे कीड़े आ गए हैं, जंतु आ गए हैं, इसको मारना है। और हमने सब प्रयास करके देख लिया, DDT स्प्रे किया नहीं मर रहे हैं, मेलाथियन स्प्रे किया नहीं मरे, बेंजीन हेक्साक्लोराइड स्प्रे करने से नहीं मरे, अब क्या करना।
तो मैंने मेरे पिताजी से कहा कि आपने पेप्सी को किस पे किया? कहते हैं क्यों? मैंने कहा ये 14 केमिकल उसमें एक साथ मिले हुए हैं, आप स्प्रे करो तो सब कीड़े मरेंगे। तो पहले उनको लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, फिर बाद में मैंने कहा नहीं, मैं गंभीरता से कह रहा हूँ, आप करके देखो। तो मेरे पिताजी ने खेत पर पेप्सी को स्प्रे कराया और 24 घंटे में सारे कीड़े मर गए। फिर हमने क्या किया, आज तक टीवी चैनल जो दिल्ली से चलता है उसके एक रिपोर्टर को हमारे गांव में बुलाया और ये पूरा उसको दिखाया, उसने उसकी फिल्म शूटिंग किया, फिर टीवी चैनल पर ये दिखाया और ये देखकर भारत के हजारों किसानों ने खेत में पेप्सी को स्प्रे किया और सबके कीड़े मरे। आप सोचो इतना खतरनाक है पेप्सी कोका कोला कि खेत में स्प्रे कर दो तो कीड़े मर जाएं, आप उसे घटाघट पी रहे हो तो क्या होने वाला है। हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि पेप्सी कोका कोला की रोज एक बोतल कोई व्यक्ति 7 साल लगातार पीता रहे तो उसको अंतड़ियों का कैंसर हो जाएगा और इसी अंतड़ियों के कैंसर को डायवर्टिकुलाइटिस कहते हैं। यही अमिताभ बच्चन को हुआ है जिसमें उसके पेट की आंत को काट के निकालना पड़े। हमारे वैज्ञानिक कहते हैं किसी छोटे बच्चे को रोज एक बोतल पेप्सी पिलाओ 3 साल में पैरालिसिस हो जाएगा, पोलियो हो जाएगा। हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कोई गर्भवती माँ को अगर 2 बोतल भी कोका कोला पिला दिया तो गर्भ में पलने वाले शिशु को विकलांगता आ जाएगी, पैरालिसिस गर्भ में पलने वाले शिशु को हो सकता। वैज्ञानिक कहते हैं कि एक इंजेक्शन भर के कोका कोला या पेप्सी कोला किसी को लगा दो तो उसको हार्ट अटैक आ सकता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि आंख में 2-2 बूंद पेप्सी कोका कोला डाल दो तो जीवन भर के लिए आंखों की रोशनी चली जाएगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि आपका कोई दांत अगर टूटा हुआ पेप्सी की बोतल में डाल दो तो दांत गल जाएगा। दांत इतनी मजबूत चीज है कि कभी गलती नहीं है। कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसका हम अंतिम संस्कार करते हैं तो पूरा शरीर जल जाता है, दांत नहीं किसी के जलते। अगर मुस्लिम पद्धति से किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार करें 10 साल के बाद खड्डा खोद के निकालें तो दांत निकल आते हैं, बाकी कुछ नहीं निकलता। वो दांत इतने मजबूत है लेकिन पेप्सी कोक की बोतल में डाल दो तो गल जाते हैं, इतना खतरनाक है ये पेप्सी कोक। और उसे भारत के पढ़े लिखे इडियट पी रहे हैं और पैसा अमेरिका को दे रहे हैं। अमेरिका वो पैसा पाकिस्तान को दे रहा है, पाकिस्तान वो पैसा आतंकवादियों को दे रहा है, आतंकवादी उस पैसे से बम बना रहे हैं और भारत देश में मार रहे हैं, और पेप्सी पीने वाले पेप्सी पी रहे हैं और भारत माता की जय भी बोल रहे हैं। काम भारत माता के पराजय का कर रहे हैं, बोल रहे हैं भारत माता की जय। ऐसा दुष्चक्र हमारे देश में चल रहा है। जब ये दुष्चक्र बहुत ज्यादा तकलीफ दे गया तो हमने केस किया, केस में हम जीत गए, कंपनी हार गई। फिर हमने भारत सरकार को कहा कि इस कंपनी का लाइसेंस रद्द करो, तो सरकार ने कहा कि हम लाइसेंस रद्द नहीं कर सकते। क्यों? तो वो बोलते हैं कि हमने अमेरिका के साथ एक समझौता किया है, उस समझौते में भारत की सरकार ने अमेरिका से कर्ज लिया है, कर्ज लेने के लिए पेप्सी और कोका कोला को भारत में लाइसेंस दिया है, जब तक ये कर्ज हम वापस नहीं करेंगे तब तक लाइसेंस रद्द नहीं होगा। फिर हम लोग राष्ट्रपति को मिले और राष्ट्रपति को कहा कि आपको विशेष अधिकार है लाइसेंस रद्द करने का, सरकार तो नहीं करती, आप लाइसेंस रद्द करो पेप्सी कोक का। तो राष्ट्रपति ने कहा मैं भी नहीं कर सकता हूं क्योंकि भारत का राष्ट्रपति कभी कुछ नहीं कर सकता, वो तो रबर का सिक्का होता है, मोहर होती है, प्रधानमंत्री जहां ठोक दे वहीं लग जाती है। आपको मालूम है राष्ट्रपति कितना असहाय होता है? अभी बिहार की असेंबली को भंग करने का आदेश दिया गया, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को रात 12 बजे मास्को में सोते हुए उठाया और उस आदेश पर हस्ताक्षर करा लिए। राष्ट्रपति की ताकत नहीं थी मना करने की, जबकि वो जानते थे ये गलत है, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत सिद्ध किया। राष्ट्रपति के पास कहने के लिए कोई मुंह नहीं है कि मैंने कैसे उस पर हस्ताक्षर किया। भारत का राष्ट्रपति तो एकदम विकलांग होता है, असहाय होता है, वो सिर्फ शो पीस होता है। हमारे भारत के राष्ट्रपति के कई भाषण मैंने सुने, उनको मैं ईमेल पर पत्र भी लिखता हूं, वो जवाब भी देते हैं। हर बार वो ये कहते हैं कि सन 2020 में भारत को महान बनाना है, औद्योगिक देश बनाना है, श्रीमंत देश बनाना है। तो मैंने उनसे कहा कि आपको ये कहते कहते 3-4 साल हो गया, आपने किया क्या इसके लिए?
अगर आप इस दिशा में कि भारत को महान देश बनाना है, श्रीमंत बनाना है, पिछले 3 साल में कोई एक काम किया हो तो बताइए आप। सिर्फ बोलते रहने से तो भारत महान नहीं हो जाएगा, सिर्फ बोलते रहने से तो भारत श्रीमंत देश नहीं हो जाएगा। जिन नेताओं के नीचे आप रह के काम करते हैं या जिन नेताओं के ऊपर आप रह के काम करते हैं, वो तो इतने महाभ्रष्ट हैं कि भारत को खड्डे में ले जाके गिराना है इस पे लगे हुए हैं, और आप रोज भाषण देते हैं कि भारत को महान बनाना है 2020 में, औद्योगिक देश बनाना है, तो ये कैसे होने वाला है? कहते रहने से तो नहीं होने वाला, कुछ करना पड़ेगा। लेकिन राष्ट्रपति की मुश्किल है कि वो कुछ नहीं कर सकता इस देश को। तभी एक दिन मैंने उनको ईमेल किया कि आप तो कुछ कर नहीं सकते, तो मैं क्या करूं एक साधारण आदमी की हैसियत से। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर उत्तर लिखा मुझे, उन्होंने कहा यू शुड वॉक 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 एंड टॉक 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 टू द ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ दिस कंट्री। माने तुम भारत के गांव गांव में जाओ और लोगों को ये पूरी कहानी सुनाओ, लोग अगर इसको सुन लेंगे तो फिर कुछ करने लगेंगे, करने लगेंगे तो भारत महान हो जाएगा, मेरे कहने से नहीं होगा। और जब मैं समझ गया कि उनकी विकलांगता और असहायता इतनी है कि वो कुछ नहीं कर सकते, तब मैंने सोचा चलो मैं इतना तो करूं कि गांव गांव में जाऊं, लोगों को भारत की कथा सुनाऊं और लोग ये कथा सुनकर कम से कम कुछ करें अपने जीवन में। तो इतना तो करें कि पेप्सी को पीना बंद कर दें, विदेशी कंपनियों की वस्तुएं खरीदना बंद कर दें। और अगर इतना भी लोगों ने किया तो इससे देश को हर साल 1,00,000 करोड़ रुपए बच जाएगा और 20 साल में ये देश फिर सोने की चिड़िया हो जाए। तो मैं आपके नगर में यही कहने आया हूं कि आप इस देश को बचाने के लिए कुछ करिए। राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकते, सरकार कुछ नहीं कर सकती, आप चाहें तो ये देश को बचा सकते हैं। आप क्या करें, जितनी विदेशी कंपनियों को सरकारें बुला रही हैं और उनको लूट का लाइसेंस दे रही हैं, उन कोई भी कंपनी का सामान आप मत खरीदिए, क्योंकि विदेशी कंपनी यहां आ रही है अपना माल बेचने के लिए। हम भारतवासी उस माल को खरीदेंगे नहीं तो वो भाग जाने वाले। गांधी जी ने यही समझाया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाना है तो उसका सामान खरीदना बंद करो। लोकमान्य तिलक ने यह कहा कि अगर अंग्रेजों को भगाना है तो अंग्रेजी कपड़े पहनना बंद करो। तो भारत के लोगों ने किया और अंग्रेजों को भारत से जाना पड़ा। तो अगर अंग्रेजी माल का बहिष्कार करके हमने आजादी पाई है तो विदेशी माल का फिर बहिष्कार करो तो आजादी बच पाएगी। मैं यही आपसे कह रहा हूं। सरकार ने तो उदारीकरण वैश्वीकरण के नाम पर लूट की खुली छूट दे दी है विदेशी कंपनियों को। आप भारतीय नागरिक एक संकल्प करो कि हम कोई विदेशी माल खरीदेंगे नहीं, तो ये लूट बंद हो जाएगी और भारत देश फिर से स्वतंत्र हो जाएगा और समृद्धशाली भी हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कहां से शुरू करें, यहीं से शुरू करो, पेप्सी कोका कोला पीना बंद करो। और आप बंद करो तो आपके परिवार वालों को कहो वो भी ना पिए, आपके पड़ोसियों को कहो वो भी ना पिए, धीरे धीरे पूरे बुलंदगीर में पेप्सी को बिकना बंद हो जाए, फिर एक जिले में हुआ तो 2 जिले में हो जाए, 2 जिले से 10 जिले में हो जाए, और धीरे धीरे संपूर्ण उड़ीसा में हो जाए, फिर पूरे भारत में हो जाए, तो हर साल इस देश का 1,000,000,000,000 रुपए बच जाए। फिर आप बोलोगे अच्छा ठीक है हम पेप्सी कोक ना पिए तो क्या पिए, आप नारियल का पानी पियो, संतरे का रस पियो, मौसमी का रस पियो, गन्ने का रस पियो, दही की लस्सी पियो, गाय का दूध पियो, कुछ नहीं मिलता तो शुद्ध पानी पियो। मैंने एक दिन हिसाब लगाया जितने रुपए का हम पेप्सी कोक पीते हैं उतने ही रुपए का गन्ने का रस पिए, संतरे का रस पिए, तो भारत के 10 साल में सभी किसान करोड़पति हो जाएंगे, मात्र 10 साल। अगर भारतवासी विदेशी पेप्सी को बंद कर दें पीना और स्वदेशी गन्ने का रस, संतरे का रस, मौसमी का रस पीने लगे, तो जितने रुपए का पेप्सी को बिकता है साल में, इतने ही रुपए का गन्ने का रस, मौसमी का रस बिके साल में, तो 10 साल में हर किसान करोड़पति हो जाए। माने हम भारत में क्रांति कर सकते हैं। जो इतनी गरीबी की हालत में आज किसान है, इनको अमीर बना सकते हैं, श्रीमंत बना सकते हैं। पेप्सी को पीना बंद करें और थम्स अप लिमका सिट्रा पीना बंद करें, दूसरे दें तो भी ना पिए। और आप अगर यहां से शुरू करें अपने जीवन को तो आगे धीरे धीरे चलता चला जाएगा। आज आपने पेप्सी को पीना बंद किया, कल आप सोचें कि हम विदेशी टूथपेस्ट भी ना खरीदें, कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सुबाका फॉरेंस, और क्यों ना खरीदें, क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। मैंने आपको बताया वो बात हमेशा याद रखिए, जिन वस्तुओं का विज्ञापन होता है उनकी क्वालिटी नहीं होती,
और जिन वस्तुओं में क्वालिटी होती है उनका विज्ञापन नहीं होता। कॉलगेट क्लोजअप में बहुत विज्ञापन है जो कि क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी क्यों नहीं है? क्योंकि कॉलगेट क्लोजअप बनता है मरे हुए जानवरों के हड्डियों के चूरे से, बोन पाउडर से। एक बार हमने कॉलगेट क्लोजअप कंपनी के अधिकारियों को एक पत्र भेजा और कहा कि आप विज्ञापन में बोलते हो कि कॉलगेट में कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, टूथपेस्ट में कैल्शियम फॉस्फोरस कहां से आता है? तो वो कहते हैं कि जो वस्तु से हम टूथपेस्ट बनाते हैं उसमें कैल्शियम फॉस्फोरस है। अब वो वस्तु क्या है? तो उन्होंने कहा मरे हुए जानवरों की हड्डियां, हड्डियों में बहुत कैल्शियम फॉस्फोरस होता है। फिर मैंने पूछा वो कौन से जानवरों की हड्डियां है? तो उन्होंने कहा सुअर की हड्डियां, पिग्स की, गाय की हड्डियां, भैंस की हड्डियां, बकरी, बकरा, इन सब की हड्डियां, इनमें कैल्शियम फॉस्फोरस है। मैं पूछा कहां से लाते हैं हड्डियां? तो कहते हैं भारत में 3600 कत्ल खाने चलते हैं, हर साल 4.5 करोड़ पशु कटते हैं, उनका मांस बाजार में बिक जाता है, हड्डियां कोई खरीदता नहीं तो हम ले लेते हैं, उन्हीं हड्डियों को धूप में सुखाते हैं, पाउडर बना के मशीन में डालकर उससे टूथपेस्ट बनाते हैं। और भारत के पढ़े लिखे शाकाहारी नागरिक रोज सवेरे सवेरे ये हड्डियों का चूरा मुंह में लगाते हैं और भगवान को पूजा करके आते हैं। कुछ नागरिक मैंने ऐसे देखे हैं जो उपवास करते हैं लेकिन सवेरे सवेरे हड्डियों की चूरी घिसके उपवास करते हैं, 10-10 दिन उपवास करते हैं बिना पानी का लेकिन सवेरे सवेरे हड्डियों का पाउडर घिस लेते। और किसी किसी को मैं पूछता हूँ भाई कॉलगेट क्यों करते हो? तो कहते हैं इसमें झाग बहुत बनता है। तो झाग तो शैम्पू में भी बनता है, झाग तो शेविंग क्रीम में भी बनता है, शेविंग क्रीम में तो सबसे ज्यादा बनता है, शेविंग क्रीम ही लगा लिया करो दांतों पे, शैम्पू रगड़ लिया करो दांतों में क्योंकि बहुत फेस बनता है, बहुत झाग बनता है। इतने मूर्ख लोग हैं इस देश में जिनको समझता नहीं है कि झाग बनता है तो वो क्वालिटी नहीं है, खतरा। क्योंकि झाग बनाने के लिए कॉलगेट क्लोजअप में केमिकल डाला जाता है सोडियम लॉरेल सल्फेट और वो कैंसर करता है। दुनिया के सारे देशों में, अमेरिका और यूरोप के देशों में डॉक्टर लोग कहते हैं मरीजों से कि टूथपेस्ट वो खरीदो जिसमें झाग ना बने, माने सोडियम लॉरेल सल्फेट से मुक्त हो। और भारत में इसका ठीक उल्टा हो रहा है। और यूरोप और अमेरिका में जो टूथपेस्ट को झाग बनता है उस टूथपेस्ट के डब्बे पे स्टैट्यूटरी वार्निंग लिखी रहती है, चेतावनी, वैधानिक चेतावनी, टूथपेस्ट आर इंजूरियस टू हेल्थ, ऐसी चेतावनी लिखी रहती है। हम मालूम ही नहीं है भारतवासियों को कि कितना खतरा है टूथपेस्ट पर। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि आप ये पेस्ट मत करो, नहीं तो कैंसर की शक्यता है, कैंसर होगा आपको, मुंह का कैंसर हो सकता है, जीभ का कैंसर हो सकता है, गले का कैंसर हो सकता है। फिर आप बोलेंगे दांत कैसे साफ करें? दांत साफ करना है तो दातुन करो ना, नीम का दातुन, बबूल का दातुन, करंजी का दातुन, कीकर का दातुन। दातुन नहीं मिले तो दंत मंजन करो, लाल दंत मंजन, काला दंत मंजन, बीको वज्रगंती, कोई भी दंत मंजन, दंत मंजन घर में बना लो, बाजार से खरीदने की भी जरूरत नहीं। थोड़ी हल्दी ले लो, थोड़ा नमक ले लो, दोनों को मिलाओ, उसमें थोड़ा नींबू का रस मिला के दांत पे घिसो, बहुत अच्छा दंत मंजन। कोई गांव ऐसा नहीं जहां दंत मंजन ना मिले, तो दंत मंजन करो वो अच्छा है, दांत भी बचेंगे, पैसे भी बचेंगे और देश का धर्म भी बचेगा। ऐसे एक तीसरा निवेदन है कि जितनी विदेशी शेविंग क्रीम है, पामोलिव, ओल्ड स्पाइस, रेस्मिक, शेल्टन, डिटॉल, इनका भी प्रयोग मत करो। तो आप बोलोगे शेविंग क्रीम का प्रयोग ना करें तो शेव कैसे बनाएं? शेव बनाने का एक नया तरीका बताता हूं। थोड़ा गर्म पानी ले लो, गर्म पानी से चेहरे की मालिश करो, फिर थोड़ा दूध ले लो, दूध को चेहरे में रगड़ो, 2-3 मिनट के बाद रेजर चलाओ, बहुत क्लीन शेव होती है। मैं 6 साल से कर रहा हूं और इसके 4 लाभ हैं। सबसे बड़ा लाभ है कि दूध लगाओगे तो चेहरे की त्वचा एकदम नरम हो जाती है, सॉफ्ट, तो रेजर बहुत आसानी से चलता है, तो ब्लेड की जिंदगी बढ़ जाती है। पहले मैं शेविंग क्रीम से शेव करता था तो एक ब्लेड से मुश्किल से 2-3 बार शेव होती थी, अब दूध लगा के करता हूं तो 10 बार होती है, ब्लेड का खर्चा बचा। दूसरा लाभ यह है कि दूध लगाओ चेहरे पे तो सारी गंदगी बाहर निकल जाती है। दूध जो है ना बेस्ट क्वालिटी क्लींजिंग एजेंट है, तो चेहरे में रोज दूध लगाओगे गंदगी निकल जाएगी, गंदगी निकलेगी तो चेहरा एकदम स्वच्छ और साफ हो जाएगा, आप सब स्मार्ट हो जाएंगे। फोगट में स्मार्ट बनने का फॉर्मूला बता रहा हूं, दूध से दाढ़ी बनाओ, मिल्क शेविंग करो। फिर आप बोलोगे जी दूध नहीं है तो दही से बना लो, दही से भी दाढ़ी बनती है, थोड़ा दही लगाओ, रगड़ लगो और रेजर चलाओ, बहुत अच्छी दाढ़ी बनती है। दही से जब मट्ठा बनाते हैं, छाछ बनाते हैं तो क्रीम निकलता है, वो क्रीम से दाढ़ी बनाओ तो सुपर बेस्ट क्वालिटी शेव होती है।
तो दूध से दही से दाढ़ी बनाना शुरू करो तो परिणाम क्या होगा, दूध दही की बिक्री बढ़ेगी तो मुनाफा सब किसानों के पास जाएगा और किसान अमीर हो जाएंगे इस देश में। ऐसे ही स्नान करने के लिए विदेशी साबुन मत खरीदो, लक्स, लक्स लाइफ बॉय, लिरिल, रेक्सोना, पीआरसी, ये सब विदेशी है। साबुन ही खरीदना है तो स्वदेशी खरीदो, निर्मा, नीमा, मैसूर, संदल, चंद्रिका, मेडिमिक्स, कुटीर, मार्गो, ये सब स्वदेशी है। और आप चाहो तो बिना साबुन के नहाओ। आपको मालूम है भारत देश में एक बहुत बड़ा त्योहार आता है महाशिवरात्रि का, उसमें शंकर भगवान को स्नान कराते हैं। किससे? साबुन से। शंकर जी की जॉनसन एंड जॉनसन से नहाते हैं, देखा है कभी? या लक्स लगाते हैं मालूम? सारे लोग भगवान जी को नहलाते हैं दूध से और खुद नहाते हैं साबुन से। कितने मूर्ख है, भगवान जी को दूध से नहलाते हैं, खुद साबुन लगाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले कर्नाटक में हासन जिले में एक बहुत बड़ा जैन तीर्थ स्थान है श्रवण बेलगोला, वहां पर महामस्तिका अभिषेक हुआ और दूध से, और जितने जैनियों ने महामस्तिका अभिषेक दूध से किया वो खुद साबुन से रगड़ रगड़ के नहाते हैं। ऐसे मूर्ख लोग। अब भगवान जी दूध से नहाते हैं तो आप भी नहाओ। और भारत में एक कहावत है, दूधो नहाओ पूतो फलो। कभी भी ये नहीं कहता कोई साबुन नहाओ और पूतो फलो, दूध से नहाओ तो पूतो फलो। तो दूध से नहाना शुरू करो। आप कहोगे जी दूध बहुत महंगा है, बहुत सस्ता है, 20 रुपए लीटर में दूध आता है, 150 रुपए किलो साबुन है, साबुन 15 रुपए का 100 ग्राम है, 150 रुपए किलो दूध है, 20 रुपए किलो, तो दूध साबुन से सस्ता है, क्वालिटी में अच्छा है। दूध से स्नान करो तो गंदगी निकलती है और त्वचा को कभी कोई रोग नहीं आता। तो दूध का स्नान देश की अर्थव्यवस्था को बदलता है, आपके शरीर को भी सुरक्षित रखता है। और आपको मैं एक जानकारी देता हूं, 5 स्टार जितने भी ब्यूटी पार्लर्स हैं दुनिया में, सभी जगह मिल्क से ही क्लिंजिंग होता है, त्वचा की सफाई दूध से ही होती है, इसके अलावा कोई चीज नहीं है पूरी दुनिया। तो आप भी दूध से नहाइए। दूध से नहीं नहा सकते तो दूध में चने का आटा मिला के नहाइए, माने बेसन मिलाइए, उसका पेस्ट बनाइए, उसको रगड़ के नहाइए। मुल्तानी मिट्टी आती है उसको दूध में मिलाइए, उसका पेस्ट बनाकर नहाइए। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं हमारे घर में, साबुन की जरूरत नहीं। जितना बन पड़े विदेशी वस्तुओं से दूर रहिए, विदेशी कॉस्मेटिक्स कभी मत खरीदिए, फेयर एंड लवली, क्लियर सिल्क, क्लियर टोन, एरेस्मिक, इमामी, पॉन्ड्स, और मैंने आपसे बताया कोई क्रीम ऐसी नहीं है जो काले को गोरा बनाए, ये सब मूर्ख बनाते हैं। हमने फेयर एंड लवली क्रीम के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में एक मुकदमा किया है। मेरा एक दोस्त था जो मेरे साथ पढ़ाई करता था इंजीनियरिंग में, वो एकदम चिक्कट काला है, मद्रासी है, तमिल है, और इतना काला है जैसे उल्टा तवा, तवा होता है ना जिसमें रोटी बना उसको उल्टा कर दो, इतना काला है। और 20 साल से फेयर एंड लवली लगाता है, अभी तक गोरा हुआ नहीं। तो उसकी तरफ से हमने मुकदमा लगाया है कोर्ट में। अब मजा क्या आया कि जिस जज की अदालत में केस आया वो जज कहता है यार मेरे घर में भी यही समस्या। तो उसने ऑर्डर दे दिया। अब उसके ऑर्डर से हुआ ये है कि तमिलनाडु में फेयर एंड लवली बिकना बंद हो गया, लेकिन उड़ीसा में बिक रहा है। और जो फेयर एंड लवली तमिलनाडु में काम नहीं कर रहा वो उड़ीसा में कैसे करेगा? इसलिए आप ये फेयर एंड लवली बंद करो। फिर आप बोलोगे क्या लगाए? कुछ मत लगाओ, आप जैसे हो बहुत अच्छे हो। आप बोलोगे जी क्रीम लगाने से स्मार्टनेस आती है, स्मार्टनेस क्रीम पाउडर से नहीं आती, स्मार्टनेस गुण, कर्म और स्वभाव से आती है। आपके गुण अच्छे हैं, कर्म अच्छा है, स्वभाव अच्छा है, आप बहुत स्मार्ट। आप जरा सोचो हमारे समाज में कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको कैसे याद करते हैं? मर गया बेचारा कितना ईमानदार था, मर गया बेचारा कितना देश का काम करता है। कभी ऐसा सुना मर गया बेचारा कितना गोरा था? कभी ऐसा सुना मर गया बेचारा कितना फेयर एंड लवली रहता था? सुना है कभी ऐसा? मरने के बाद व्यक्ति की सुंदरता याद नहीं की जाती, त्वचा का रंग भी याद नहीं किया जाता, उसके कर्म याद किए जाते, गुण याद किया जाता। तो गुण कर्म को अच्छा बनाओ, स्वभाव अच्छे बनाओ, तो आप बहुत स्मार्ट। ये क्रीम पाउडर लिपस्टिक से कुछ होने वाला नहीं। और मेरा आपसे एक बहुत विनम्र निवेदन है कि जब भी बीमार पड़ो तो विदेशी दवाएं कभी मत खाओ। एनासिन, नोवलजिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पैरामाइसिन, बैराइगन, ग्लूटाजोन, ऑक्सीजन ग्लूटाजोन, जितनी भी अंग्रेजी दवाएं हैं एलोपैथी, ये बिल्कुल मत खाओ, गलती से भी मत खाओ। फिर आप बोलोगे तो क्या करें, बीमार पड़ गए तो मर जाए क्या दवा नहीं खाए तो? मैं आपको बता रहा हूं कि आप दवा खाओगे तो जरूर मर जाओगे। ये मैं आपको चाहो तो लिख कर दे सकता हूं स्टाम्प पेपर,
कि आपने अगर अंग्रेजी दवाएं खाई तो जरूर मरने वाले हैं, क्योंकि अंग्रेजी दवाओं में कोई भी ऐसी दवा नहीं है जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। हर दवा के साइड इफेक्ट है, कोई दवा किडनी खराब करती है, कोई लीवर खराब करती है, कोई आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डैमेज कर देती है, कोई लंग्स को खराब कर देती है, कोई कैंसर कर देती है, कोई कुछ करती है। अंग्रेजी दवाएं एक भी अच्छी नहीं, और अंग्रेजी दवाओं को दुनिया भर में फैलाने वाले जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो भी अब उससे परेशान हैं और कहते हैं कि ये बहुत खतरनाक है। इसलिए अंग्रेजी दवाएं तो बिल्कुल मत खाइए। फिर आप बोलेंगे तो क्या करें, बीमार पड़ जाए तो भारतीय स्वदेशी दवाएं खाइए। आयुर्वेदिक दवाएं गांव गांव में मिलती हैं, हर जगह उपलब्ध है, उनका प्रयोग करें। और आयुर्वेदिक दवाएं आप कहेंगे बहुत महंगी है, तो मैं आपको बताता हूं कि आयुर्वेदिक दवाएं बाजार से मत खरीदिए, आपके घर में बहुत सारी दवाएं हैं उनका उपयोग करें। आप कहेंगे घर में आयुर्वेदिक दवाएं कहां, आपके घर में जो रसोई चलती है ना किचन, उसमें सब दवाएं ही दवाएं हैं। आप जिनको मसाला कहते हैं, मसाला कुछ भी नहीं है, सभी मेडिसिन है। आपको पता नहीं है कि उनका उपयोग क्या है। हमारे किचन में, हमारे रसोई में एक भी ऐसी औषधि नहीं है जो काम ना करे शरीर को। मैंने एक दिन सूची बनाई तो पता चला रसोई घर में 148 औषधियां हैं जो जीवन पर्यंत आपके काम आती है। पता कर लीजिए कि वो किस काम आती है। जैसे एक बहुत अच्छी औषधि है, उसका नाम है हल्दी, टर्मेरिक। हल्दी के दो स्वरूप है हमारे यहाँ, एक तो सूखी हुई हल्दी पाउडर फॉर्म में हम इस्तेमाल करते हैं, और एक ताजा हल्दी आती है उसका रस निकाल के हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ताजा हल्दी का रस किसी भी कैंसर की सबसे अच्छी दवा मानी जाती है। ताजा हल्दी का रस एंटी कैंसरस माना जाता है, और अमेरिका ने हल्दी पर जो पेटेंट किया है वो इसी बात के लिए लिया है कि हल्दी से कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। आप पूछेंगे क्या है उसमें, ताजा हल्दी जो होती है, फ्रेश जो टर्मेरिक है उसका जब रस निकालें तो उसमें करक्यूमिन नाम का एक केमिकल है, यही केमिकल है जो कैंसर को ठीक करने की ताकत रखता है। इसलिए हल्दी का भरपूर इस्तेमाल करिए, और आप चाहेंगे तो जीवन पर्यंत कैंसर से बचे रहेंगे अगर ताजा हल्दी का रस एक चम्मच रोज सुबह पीते रहे तो। और पाउडर वाली हल्दी जो है, सूखी हुई हल्दी, वो सर्दी खांसी जुकाम बुखार इसकी सबसे अच्छी दवा है। कभी भी सर्दी खांसी हुई है, हल्दी पाउडर लीजिए, पानी में डालिए, उबालिए और पानी को चाय की तरह से पीजिए, सर्दी खांसी जुकाम बुखार सब ठीक होगा। हल्दी में थोड़ा शहद मिला के ले लीजिए तो टॉन्सिलाइटिस की तकलीफ हमेशा के लिए खत्म होगी। खांसी कितनी भी खराब से खराब हो, हल्दी का रस गर्म करके और थोड़ा शहद मिला के ले लीजिए, खांसी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। हल्दी बहुत अच्छी मेडिसिन है, अकेली एक हल्दी 13 बीमारियों को ठीक करती है। तो रसोई में ध्यान रखिए, बहुत अच्छी औषधि है ये, कभी बीमार पड़े तो इसका उपयोग करें। ऐसी एक बहुत अच्छी दूसरी औषधि है मेथी दाना। पीले रंग का छोटा छोटा मेथी दाना होता है, इसको रात को पानी में भिगोकर अगर इसका पानी पीना शुरू कर दे सवेरे सवेरे तो डायबिटीज ठीक होती है, अर्थराइटिस ठीक होता है, गाउट ठीक होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस 23 रोग ठीक हो जाते हैं खाली मेथी दाने के पानी से। आप में से अगर किसी को भी डायबिटीज है आज से ही शुरू करिए, रात को एक चम्मच मेथी दाना एक गिलास पानी में डालिए, सवेरे उस पानी को चाय की तरह से पीजिए और 3 महीने पी लीजिए, आपको डायबिटीज जड़ मूल से खत्म हो जाएगा। और संधिवात है, अगर जॉइंट्स पेन होता है, अर्थराइटिस है, वो भी 10-12 दिन में ठीक हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन है, पेट में कब्जियत रहती है, 8-10 दिन पानी पीजिए ठीक हो जाएगा। खाली मेथी दाना 23 बीमारी ठीक करता है। ऐसे ही हमारे रसोई में एक औषधि है दालचीनी, एक दालचीनी 48 रोग ठीक कर देता है। मोटापा ज्यादा हो गया है तो दालचीनी से ठीक होता है, आदमी बहुत पतला है वजन बढ़ाना है तो दालचीनी से बढ़ जाता है। दालचीनी से किसी भी तरह का बुखार माने फीवर खत्म होता है, दालचीनी से किसी भी तरह का टॉन्सिलाइटिस केस ठीक होता है। बिना ऑपरेशन टॉन्सिलाइटिस ठीक करना दालचीनी बेस्ट मेडिसिन, एक दालचीनी 48 रोग में काम आती है। ऐसे ही हमारे घर में जितनी भी सब्जियां हैं, सभी सब्जियां एंटीबायोटिक है, एंटीपायरेटिक है सभी सब्जियां। लौकी की सब्जी है जिसको दूधी बोलते हैं, अगर इसका रस रोज सवेरे एक गिलास पिए तो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट भी ठीक होता है। स्वामी रामदेव जी ने लाखों लोगों का कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट खत्म कर दिया लौकी के रस से, और चैलेंज के साथ, चुनौती के साथ। हमारे घर में बहुत मेडिसिन है, आपको बाजार से कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं।
और मैं तो आपको एक बहुत अच्छी बात बता के जाता हूँ, जो आप याद रखें तो जीवन भर काम आएगी। आप बीमारी मत पड़िए, स्वस्थ रहिए जीवन भर। स्वस्थ रहना बहुत आसान है, बीमार पड़े दवा खाएं, दवा खा के स्वस्थ हों वो कोई अच्छी बात नहीं है। आप बीमारी ना पड़े, स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहने के 3-4 सूत्र हैं जो बहुत ही सरल हैं। भारत में आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र दुनिया का सबसे अद्भुत है, जो स्वस्थ रहने के तरीके बताता है। बाकी जितने भी चिकित्सा शास्त्र हैं, एलोपैथी हो होम्योपैथी हो, वो सब कहते हैं कि पहले बीमार पड़ो फिर हमारे पास आओ हम ठीक करेंगे। आयुर्वेद कहता है बीमारी मत पड़ो, अद्भुत है। और आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र में सैकड़ों ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उनमें से एक मैंने बहुत पढ़ा है, उसका नाम है अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय में 2000 सूत्र हैं किसी भी व्यक्ति को निरोगी होने के। उस 2000 में से 4 सूत्र मैंने निकाले हैं और उनका मेरे जीवन में 18 साल से उपयोग करता हूं, आज तक बीमार नहीं पड़ा। आप भी उपयोग करें तो आप भी स्वस्थ रहेंगे। तो 4 सूत्र क्या है, बहुत सरल है। कोई भी व्यक्ति जीवन पर्यंत बिना दवा खाए जीवन चला सकता है। इसका उदाहरण मैं आपको मेरे जीवन से देता हूं। पिछले 15 साल से मैं हर साल 1,00,000 किलोमीटर का प्रवास करता हूं, कभी उड़ीसा, कभी आंध्र प्रदेश, कभी तमिलनाडु, कभी केरल, कभी उत्तर प्रदेश, कभी कहीं। अलग अलग जगह का खाना खाता हूं, अलग अलग जगह का पानी पीता हूं, कोई तकलीफ नहीं है मुझे। ना डायबिटीज की तकलीफ है, ना ब्लड प्रेशर की है, ना हाइपरटेंशन, ना लो, कोई तकलीफ नहीं। 15 साल तो हो गया मैंने कोई दवा नहीं खाई आज तक, किसी डॉक्टर के पास नहीं गया। ये अगर मेरा हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। और अगर आप चाहे तो इसको दूसरे तरीके से देखें। बाबा रामदेव हैं, 10-12 साल से योग के शिविर करते हैं, आज तक उन्होंने कोई मेडिसिन नहीं खाई, कोई डॉक्टर के पास नहीं गए। कैसे हो सकता है ये बहुत आसान है। आप अगर अपने जीवन की कुछ गलत आदतों को छोड़ दें तो जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। वो गलत आदतें क्या हैं, अगर हम उनको छोड़ें स्वस्थ रहें तो। स्वस्थ रहने के लिए 4-5 काम छोटे छोटे करें। सबसे पहला काम है जो आयुर्वेद का अष्टांग हृदय कहता है, शास्त्रों में कहा है, मैंने तो वहां से लेकर अपने जीवन में प्रयोग किया। वो सूत्र ये है कि भोजनांते विषमवारी, माने भोजन के अंत में पानी पीना जहर पीने के जैसा है, अर्थात भोजन के बाद पानी ना पिए। ये एक सूत्र है, आपको स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक है। अगर खाना खाया है तो 1 घंटे के बाद पानी पिए, कभी भी तुरंत पानी ना पिए। क्यों? जब आप खाना खाते हैं तो पेट में जिस स्थान में खाना एकत्रित होता है उसको जठर कहते हैं, वहां पर अग्नि प्रदीप्त होती है, उसको जठराग्नि कहते हैं। जठराग्नि से ही भोजन का पाचन होता है। अब जैसे ही आपने खाना खाया, जठराग्नि प्रदीप्त हुई, अब आपने ऊपर से गिट पानी पी लिया, अग्नि शांत हो गई। अग्नि शांत हो गई तो खाना नहीं बचेगा, खाना नहीं बचेगा तो सड़ेगा, और सड़ा हुआ खाना 100 से ज्यादा रोग पैदा करेगा। जितना आपका शरीर गर्म होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड शरीर की गर्मी है, उतना ही गर्म पानी पिए। तीसरा सूत्र है, पानी कभी भी पिए तो सिप करके पिए, जैसे चाय पीते हैं, गर्म दूध पीते हैं, सिप कर करके, एक साथ गटगट गटगट पानी ना पिए। थोड़ा सिप लिया, फिर थोड़ी देर बाद, फिर थोड़ी देर बाद, हमेशा सिप करके पानी पिए। तो इसका कारण क्या है, मुंह में जो स्लाइवा है, लार बनती है, वो ज्यादा अंदर जाती है सिप करके पानी पीने से। और स्लाइवा है, लार है, वही वात पित्त कफ को संतुलित रखता है, तो निरोगी होना बहुत आसान। और चौथा और आखिरी नियम है जो मैंने अपनाया है, वैसे तो 2000 नियम है, वो है कि सवेरे सवेरे सोकर उठें तो सबसे पहले पानी पिए, मुंह साफ करने से पहले भी पानी पिए, कम से कम 3 गिलास, और उसके बाद टॉयलेट में जाए। तो ये 4 नियम है। सबसे पहला नियम, भोजन के बाद पानी ना पिए, 1 घंटे के बाद पिए। दूसरा नियम, पानी हमेशा हल्का गर्म करके पिए। तीसरा नियम, पानी सिप करके पिए बार बार, जब भी छोड़ो थोड़ा थोड़ा। और चौथा, भोजन सवेरे सवेरे सोकर उठें तो बिना मुंह धोए सबसे पहले पानी पिए। ये 4 नियम का पालन आप करें तो जीवन में रोग आएगा ही नहीं, आप निरोगी रहेंगे, दवाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टरों के पास जाना नहीं पड़ेगा। ये 4 सूत्र का पालन मैं कर रहा हूं और मैं 15 साल से निरोगी हूं। यही 4 सूत्र का पालन स्वामी रामदेव भी करते हैं, इसलिए उनको कोई रोग नहीं है। और वो चैलेंज से कहते हैं कि कोई डॉक्टर आके मुझे एग्जामिन करे और बता के दिखाए कि मुझे, फिर आप क्यों नहीं हो सकते। आप अपनी आदतें बदल दीजिए, आप निरोगी हो जाएंगे, दवा खाने के चक्कर में ही फंसने की जरूरत है।
पर एक छोटी सी आखिरी बात और बोलता हूँ कि जो गलती से कभी आप रोगी हो जाएं, कोई गंभीर रोग आपको आ जाए, तो भी दवा के लिए अंग्रेजी दुकानों पर जाने की जरूरत नहीं, एलोपैथी खाने की जरूरत नहीं। आपके हर गांव में एक बहुत अच्छी दवा उपलब्ध है, टैक्स फ्री, कॉस्ट फ्री, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, जिसकी कोई एक्सपायरी डेट भी नहीं। वो दवा है गाय का मूत्र, गोमूत्र। आपको शायद मालूम है या नहीं, अमेरिका की सरकार ने गोमूत्र को भी पेटेंट कराया है, क्योंकि गाय के मूत्र से 100 से ज्यादा बीमारियों का इलाज होता है, और वो गाय का मूत्र भारत के गांव-गांव में उपलब्ध है। आपको कभी कोई बीमारी आ गई, जैसे डायबिटीज हो गई, आर्थराइटिस हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, ब्रोंकियल निमोनिया हो गया, अस्थमा आ गया, इन सब बीमारियों में 25 मिलीग्राम गाय का मूत्र सवेरे सवेरे खाली पेट पी है, बस इतना ही करना। 3 महीने में ये सब बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। सावधानी इसमें इतनी ही रखनी है कि जिस गाय का मूत्र पीना है वो गाय स्वदेशी होनी चाहिए, देशी गाय, विदेशी गाय का मूत्र नहीं पी लेना, नहीं तो उल्टा परिणाम आएगा। विदेशी गाय माने जर्सी, होलिस्टियन, फ्रीजियन, ये जो विदेशी गाय है इसका मूत्र नहीं पीना, जबी में पीना देशी गाय का। हाँ, उड़ीसा की जो देशी नस्ल की गाय है, छत्तीसगढ़ की देशी नस्ल की गाय है, हरियाणा की, पंजाब की, राजस्थान की, बहुत सारी देशी नस्ल की गाय है, उनका मूत्र लेना। अभी देशी विदेशी गाय की पहचान कैसे होती है, गाय के शरीर में एक कंधा होता है, पीठ, पीठ पर, तो जिस गाय को कंधा बहुत ऊंचा है वो देशी गाय है, और जिसको वो कंधा नहीं है वो विदेशी गाय, तो पहचान बहुत आसान। फिर कुछ लोग कहते हैं गाय का मूत्र लेंगे कैसे, इकट्ठा कैसे करें। देशी गाय जब भी मूत्र देती है ना तो उसका टाइम फिक्स है, हाँ, घड़ी मिला के आप देख सकते हैं। कभी भी देशी गाय के बच्चे को दूध पीने के लिए आप छोड़ो तो तुरंत मूत्र देती है, उसी समय डब्बा भर दो, और गाय कभी पैसा मांगती नहीं मूत्र देने के। अब डब्बा भर लिया, बोतल में रख लो, और गाय का मूत्र कभी खराब नहीं होता, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीना, 2 महीना, साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं। तो टैक्स फ्री, कॉस्ट फ्री, एक्सपायरी डेट कुछ भी नहीं, और साइड इफेक्ट कुछ नहीं। तो गाय का मूत्र भी हुआ कोई भी बीमारी, डायबिटीज है, आर्थराइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकियल निमोनिया है, अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस है, कोई भी बीमारी का नाम लो आप, गोमूत्र पियो। और बीमारी शरीर के बाहर के हिस्से में है तो इस्तेमाल करो बाहर से, जैसे आंख में कोई बीमारी है, मोतियाबिंद आ गया, ऑपरेशन नहीं करना चाहते, गाय का मूत्र एक एक बूंद आंख में डालो, महीने डेढ़ महीने में मोतियाबिंद निकल जाए। ग्लूकोमा हो गया, आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, गाय का मूत्र डालना शुरू करो, 20-25 दिन में बहुत अच्छा दिखने लगे। रेटिनल डिटैचमेंट हो गया है, गाय का मूत्र डालो, रेटिना ठीक हो जाता है। आंख की कोई बीमारी है गोमूत्र उसमें डालो, कान की कोई बीमारी है गोमूत्र अंदर डालो, शरीर पर घाव हो गया है भर नहीं रहा है तो गोमूत्र डालो। बाहर से भी गोमूत्र उपयोग होता है, अंदर से भी होता है, और गोमूत्र चरक संहिता में सबसे अच्छी औषधि है। 3,500 साल पहले चरक ऋषि ने कहा कि गोमूत्र सर्वोत्तम औषधि है, और आज वो सिद्ध है कि गोमूत्र सच में सर्वोत्तम औषधि है। इसलिए गाय को मूत्र के लिए पालो, दूध मिले तो बोनस है, असली तो मूत्र है उसका। हाँ, बहुत सारे किसान क्या करते हैं, जब तक गाय दूध देती है तब तक रखते हैं, फिर बेच देते हैं। क्यों बेच देते हैं, कहते हैं मूत्र दे रही है अब तो दूध नहीं दे रही। आम मूर्खों को मालूम नहीं है कि मूत्र दूध से ज्यादा कीमती, क्योंकि गाय के मूत्र से अगर आप दवा बनाओ तो साल में 1,00,000 रुपए की दवा बनती है, और बाजार में आप उसे आसानी से बेच सकते हैं। एक गाय जो बिल्कुल दूध ना दे वो साल में 1,00,000 रुपए की इनकम देती है। इसलिए गाय को पालते हो तो मूत्र के लिए पालो, दूध मिले तो बोनस, हाँ, असली मूत्र। और मूत्र का उपयोग भरपूर तरीके से दवाओं के लिए आप करो, आंख की दवा, कान की दवा, शरीर के बाहर के हिस्से में खाज हो गई, खुजली हो गई, एक्जिमा हो गया, सोराइसिस हो गया, गोमूत्र से मालिश कर दो, सब ठीक हो जाता। और अगर आप खेती करते हैं और किसान है तो गाय का मूत्र और गाय का गोबर मिलाकर गुड़ के साथ अगर खेत में डालना शुरू करो तो यूरिया डीएपी की भी जरूरत नहीं पड़ती, बिना यूरिया बिना डीएपी भरपूर फसल ले सकते। गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गुड़ और उड़द की दाल का आटा, ये चारों चीजों को मिलाओ और खेत में डालो। 1 एकड़ खेत है तो 10 किलो गोबर, 10 लीटर मूत्र, 1 किलो गुड़ और 1 किलो आटा, ये चारों चीजों को मिलाओ, 20 दिन रखो, फिर 100 लीटर पानी मिलाकर खेत में स्प्रे कर दो,
बिना यूरिया डाले आपको भरपूर फसल मिलेगी और अद्भुत खेती होती है इससे। यूरिया डीएपी के हजारों करोड़ रुपए के खर्चे इससे कम हो सकते। तो गाय का गोबर बहुत कीमती है, मूत्र बहुत कीमती है, दूध तो कीमती है ही, गोबर और मूत्र भी कीमती है। इसलिए गाय पालो तो गोबर मूत्र मिलेगा, दूध भी मिलेगा और पुण्य मिलेगा, क्योंकि गाय के बारे में कहा जाता है उसमें 33 करोड़ देवता रहते हैं। तो उसकी सेवा किया तो मैंने सभी देवताओं की सेवा हुआ, तो ये लोग सुधरेगा पर लोग भी सुधरेगा। हाँ, मैं तो सबको बोलता हूँ स्कूटर बेचो गाय खरीदो, मोटरसाइकिल बेचो गाय खरीदो, क्योंकि ये स्कूटर मोटरसाइकिल में डीजल पेट्रोल डालते हो धुआं निकालता और वो धुएं से ट्यूबरकुलोसिस होती है, अस्थमा होता। गाय को घास चारा खिलाओ तो मूत्र निकालती है, मूत्र से दवाएं बनती है, गोबर निकालते है उससे खेत की खाद बनती है। तो डीजल पेट्रोल जलाने वाली मशीनों से अच्छा गाय रख लो। और गाय की संख्या अगर बढ़ाई हमने तो इस देश में सच में बहुत समृद्धि आएगी, क्योंकि मैंने काफी हिसाब निकाला है, एक गाय दूध न दे तो 1,00,000 रुपए साल की इनकम देती है, दूध दे तो 1,50,000 रुपए साल की इनकम देती है, 20 साल तक स्वदेशी गाय जिंदा रहती है लगभग 35,00,000 रुपए इनकम देके जाती है, और पूरे जिंदगी में मुश्किल से 1.5-2 लाख रुपए का चारा खाती है और 35 लाख की इनकम देती है। अगर हमारे देश में हर किसान के पास एक गाय और 5 एकड़ खेत हो तो कोई भी किसान श्रीमंत हो सकता है, ये आप समझ लो और दूसरों को समझा लो। तो ये छोटी छोटी बातें जो मैंने आपसे कही इनका आप जीवन में पालन करो और दूसरों को पालन करने के लिए प्रेरित करो, तो परिणाम क्या होगा, विदेशी कंपनियों की दवाएं नहीं बिकेंगी, 35,000 करोड़ रुपए देश का बचेगा, विदेशी कंपनियों के कॉस्मेटिक्स नहीं बिकेंगे, 14-15 हजार करोड़ वहां बचेगा, विदेशी कंपनियों का साबुन नहीं बिकेगा, मंजन नहीं बिकेगा, 1,000 करोड़ रुपए। और मैंने पूरा हिसाब लगाया कि किसान अगर विदेशी खाद खरीदना बंद कर दें, विदेशी दवाएं खरीदना हम बंद कर दें, विदेशी सामान खरीदना बंद कर दें, तो साल में 1,72,000 करोड़ रुपए बचेगा देश का, और 10 साल में ये देश सोने की चिड़िया बनेगा। तो ये अभियान हम चलाएं तो देश को समृद्धशाली बना सकते हैं, ये ताकत हमारे पास है, सरकार के पास नहीं है। इसलिए मैं आपके पास ये कहने आया, अगर सरकार में ये ताकत होती तो मैं आपके पास कभी नहीं आता, मैं खुद भी सरकार में चला जाता। हाँ, मेरी कम से कम इतनी कैपेसिटी तो है कि मैं सरकार में जा सकूं, लेकिन मैं जानता हूं कि सरकारें कुछ नहीं कर सकती इस देश में, जो कुछ हो सकता है वो आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं। तो आप ये करें और हम करें, हम मिलकर करें। और ये होगा कैसे, अपने जीवन में एक सूत्र बनाएं और वो सूत्र है बी इंडियन बाई इंडियन, भारतीय बने और भारतीय वस्तुओं का उपयोग करें। भारतीय बने तो इसमें 4 बातें आवश्यक हैं। कोई भी व्यक्ति को हम जब कहें कि आप भारतीय बनो तो क्या क्या आधार हैं भारतीय होने के, 4 आधार होते हैं जिससे हम भारतीय होंगे। पहला आधार भारतीय भाषा उपयोग करें, दूसरा आधार भारतीय भूषा उपयोग करें, भूषा माने वस्त्र, तीसरा आधार भारतीय भोजन करें, और चौथा आधार भारतीय भेषज औषधियों का उपयोग करें। ये 4 चीजें आप करेंगे तो भारतीय बनेंगे, और अंत में भारतीय वस्तुओं का उपयोग करें जो जीवन के लिए आवश्यक है। भारतीय भाषा का अर्थ है आपकी भाषा उड़िया है तो उड़िया प्रयोग करें, किसी की तेलुगु है तेलुगु, तमिल है तमिल, कन्नड़ है कन्नड़, मल्लम मलयालम, संस्कृत है संस्कृत, भारतीय भाषा का प्रयोग करें, अंग्रेजी के चक्कर में ना फंसे। अंग्रेजी दुनिया की सबसे खराब भाषा है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने सेक्रेटरी जनरल यूएन यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को एक पत्र भेजा अंग्रेजी में, उन्होंने उत्तर नहीं दिया। किसी ने मुझे बताया कि वो अंग्रेजी में उत्तर नहीं देते हैं तुम फ्रेंच में भेजो, तो मैंने फ्रेंच में भेजा, थोड़ी मैं फ्रेंच जानता हूं, उनका उत्तर आया। फिर मैंने उनको प्रश्न पूछा आप अंग्रेजी में कामकाज क्यों नहीं करते, संयुक्त राष्ट्र महासभा का सारा कामकाज फ्रेंच में होता है, अंग्रेजी में तो ट्रांसलेशन होता है, काम फ्रेंच में होता है। मैंने पूछा आप फ्रेंच में काम क्यों करते हैं, अंग्रेजी में क्यों नहीं करते, तो उन्होंने उत्तर दिया ये जो अंग्रेजी है ना, इंग्लिश इज द मोस्ट रिडिकुलस एंड इडियोटिक लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा मूर्खता की और पागलपन की भाषा है तो अंग्रेजी। मैंने पूछा वो कैसे, तो उन्होंने कहा कि इसमें जो बोलते हैं वो लिखते नहीं, जो लिखते हैं वो बोलते हैं। सबसे बड़ी अवैज्ञानिकता किसी भाषा की है वो ये कि लिखना बोलना दोनों अलग अलग है। जैसे एक अंग्रेजी शब्द है सुनामी, तो बोलते हैं सुनामी, लिखते क्या है, TSUNAMI,
तो बोलना चाहिए टी सुनामी टी सुनामी टी सुनामी टी सुनामी। कहते हो जी टी साइलेंट है तो क्यों लगा दिया, हटा दो वहां से अगर साइलेंट है। अंग्रेजी का एक शब्द है किचन, स्पेलिंग क्या है के आई टी सी एच ई है, तो किट चैन किट चैन किट चैन होना चाहिए। वो कहते हैं नहीं नहीं टी साइलेंट है तो क्यों गुजार, हटा दो उसको बाहर, है मूर्खता के नहीं, लिखा हुआ है शब्द बोलते नहीं, जब बोलना नहीं तो लिखते क्यों, हटा दो उसको, ये साइलेंट करने का क्या मूर्खता है। और कितनी पागलपन की भाषा है प्यूटी पुट, तो ब्यूटी पुट, अगर ब्यूटी बट तो प्यूटी पट। कुछ उसका वैज्ञानिक आधार है। और अंग्रेजी इतनी दरिद्र भाषा है, शब्दों की संख्या नहीं है, शब्द बहुत कम है। अंग्रेजी भाषा में जितने भी रिश्तेदार हैं ना सब अंकल है, काका मामा मौसा फूफा, मामा का मामा मौसा का मौसा फूफा का, सब अंकल अंकल अंकल। उड़िया में हो सकते हैं काका मामा एक होते हैं, मौसा फूफा एक होते हैं, करके दिखा दो जरा। अंग्रेजी में सब अंकल ही अंकल, पर सब आंटी ही आंटी, मेरी आंटी के अलावा कोई रिश्ता ही नहीं है उनसे। और कुछ रिश्ते तो इतने खतरनाक है, फादर इन लॉ मदर इन लॉ, माने रिश्ता भी बाई लॉ कानून से है, भावना से कुछ नहीं है, फादर इन लॉ मदर इन लॉ ब्रदर इन लॉ, क्या मूर्ख लोगों की भाषा। और अंग्रेजी की मूर्खता आप कल्पना नहीं कर सकते उतनी है, शब्द जो है ना अंग्रेजी के इतने खतरनाक है, हमें मालूम ही नहीं है उनका मतलब क्या, हम तो इस्तेमाल करते रहते। कई बार मैं जो पढ़े लिखे इडियट लोग होते हैं ना उनके घरों में जाता हूँ तो अंग्रेजी में बोलते हो राजीव दीक्षित शी इज माई मिसेस, मैं कहता हूँ रियली शी इज योर मिसेस, तो वो पूछते आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं रियली, मैं कहता हूँ मिसेस का मतलब समझते, मिसेस का मतलब है धर्म पत्नी को छोड़कर कोई भी महिला जिसके साथ आप रात बिस्तर में रह सकें वो मिसेस होती है, माने वो वैश्या भी मिसेस होती है, कॉल गर्ल भी मिसेस होती है, धर्म पत्नी मिसेस नहीं होती, धर्म पत्नी को छोड़कर सब महिलाएं मिसेस होती। तो कोई कहता शी इज माई मिसेस, तो मैं पूछता हूं रियली, तब वो बौखलाता है कि क्या बात है, मैं कहता हूं पहले भाई समझ लो फिर इस्तेमाल करो, नहीं तो करो मत। ऐसे मिस्टर है ना मिस्टर, मिस्टर का मतलब है पति को छोड़कर कोई भी पुरुष जिसके साथ आप रात बिताए वो मिस्टर होता है। और मिस तो सबसे खतरनाक है, मिस का मतलब है एक ऐसी लड़की जो कभी शादी ना करे और जीवन पर्यंत वैश्यावृत्ति का व्यवसाय करे वो मिस होती। हमें मालूम नहीं है अंग्रेजी शब्दों के अर्थ क्या है वास्तव में और उनका इतिहास क्या है, हर शब्द का अपना इतिहास है, उसके पीछे गहरा अर्थ है, जब तक जानते नहीं तो उसको इस्तेमाल मत करिए नहीं तो तकलीफ होने वाली। और कभी कभी घरों में मैं जाता हूं इतना मुझे दुख होता है, पिताजी का नाम रामदयाल, माता जी का नाम गायत्री देवी, बेटे का नाम टिंकू। अब ये रामदयाल गायत्री देवी का टिंकू कहां से आ गया, अभी टिंकू का मतलब होता है आवारा लड़का, जो बाप की ना सुने माँ की ना सुने उसको टिंकू कहते, और हम हमारे बेचारे अच्छे खासे लड़के को टिंकू टिंकू बोल बोल के आवारा बना दें। ऐसे नाम मत रखिए, टिंकू पिंकू डॉली बबली ट्विंकल पिंकल डम्पल, अच्छे नाम रखिए संस्कृत में हिंदी में उड़िया। और बच्चों को फालतू की कविताएं मत सिखाइए अंग्रेजी की, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे लिटिल बेबी वांट्स टू प्ले, आप सोचो इसका मतलब क्या है, रेन रेन गो अवे बारिश तुम चली जाओ कभी बताओ, और सोचो कि भगवान ने सुन लिया तो क्या होगा, बारिश ही नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा, सब भी भूखे मर जाएंगे, आप भी मरोगे मैं भी मर जाऊंगा, ये फालतू अंग्रेजी अपने मत जाओ कुछ इसमें रखा नहीं। तो ये अंग्रेजी भाषा का प्रयोग ज्यादा मत करो, उड़िया अच्छा है, उड़िया भाषा में अंग्रेजी से ज्यादा शब्द हैं, आप चाहो तो हिसाब जोड़ लो। अंग्रेजी में एक शब्द है वाटर, कोई एक ही शब्द है, वाटर का दूसरा कोई सिनोनिम नहीं है, लेकिन उड़िया में उसके 12-13 शब्द हैं, जल है वारी है
और जल और वारी के 13 और शब्द हैं, और अलग अलग जगह से आए हुए जल के लिए अलग अलग शब्द हैं। अंग्रेजी में सिर्फ एक ही है वाटर। सूर्य के उड़िया भाषा में कम से कम 23-24 शब्द हैं, दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, मार्तंड, और अंग्रेजी में सिर्फ एक है सन, दूसरा नहीं है। चंद्रमा के 14-15 शब्द हैं उड़िया में, अंग्रेजी में सिर्फ एक है मून। उड़िया भाषा में अंग्रेजी से ज्यादा शब्द, जो भाषा में शब्दों की संख्या ज्यादा होती है वो भाषा अच्छी होती है, इसलिए उड़िया भाषा आपकी मातृभाषा है, उसका प्रयोग ज्यादा करें। दूसरा अगर करना है तो राष्ट्रभाषा का प्रयोग, तो भाषा अपनी रखें, भूषा भी अपनी रखें, माने पहनावा। आपकी भूषा वैसी हो जो भारत की है। अभी ये टाई लगाना, सूट पहनना, ये तो सब अंग्रेजों की भूषा है, और टाई तो इंग्लैंड में इसलिए लगाते हैं कि वहां की एक बड़ी समस्या है। इंग्लैंड में क्या है, भयंकर ठंडी होती है, साल में 9 महीने सूर्य का प्रकाश नहीं निकलता, तापमान -40 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे होता है, तो ठंडी हवाएं चलती हैं, सर्दी जुकाम बहुत होता है, तो नाक निकलती रहती है, तो वो बेचारे जेब से रुमाल निकाल निकाल के पोंछ के रखते रहते हैं। फिर एक बार उन्होंने सोचा बार बार निकालना, रखना, रखना, निकालना, एक टाई बांध लो तो जब भी जरूरत पड़े पोंछ के लटका दो, इसके लिए टाई आया है। हमारे यहाँ टाई की जरूरत नहीं, इसलिए फालतू में टाई वाई ना लगाएं। और भारत में इतनी गर्मी पड़ती है, 48 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, वहां टाइट टाई लगा के गर्दन भी ना हिला सके, अंदर पसीना पसीना होता रहे, ये मूर्खता है। इसलिए विदेशी भूषा ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। मैंने तो कभी कभी देखा है पढ़े लिखे लोग कितने मूर्ख होते हैं, शादी करते हैं तो टाई और सूट पहन के घोड़े पे चढ़ के बैठ जाते हैं। क्या मूर्ख लोग हैं, घोड़े पे चढ़ने के लिए ड्रेस नहीं है टाई और सूट, और कहते हैं आज हमें ये पहन लेने दो, माने आज ही सुपर इडियट बनने दो क्योंकि शादी है आज हमारी। ये मूर्खों की दुनिया पता नहीं कहां से आ गई है। इसलिए ये विदेशी भूषा ज्यादा उपयोग मत करो, विदेशी भाषा भी अच्छी नहीं है। विदेशी भोजन तो कभी नहीं करना, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, चाउमीन, ये सब विदेशी भोजन है। इसके स्थान पर अपना स्वदेशी भोजन करना, और विदेशी भेषज औषधि विदेशी नहीं लेना, जितना भी हो आयुर्वेद की लेना। तो भाषा स्वदेशी, भूषा स्वदेशी, भोजन स्वदेशी, भेषज, और अंत में बने तो भजन स्वदेशी। भजन से मतलब संगीत, भारतीय संगीत हो तो अच्छा, साहित्य हो तो भारतीय, भाषा हो तो भारतीय, भूषा हो तो भारतीय, भोजन हो तो भारतीय, वस्तुएं हो तो भारतीय। अगर अपने जीवन में इतना ही सूत्र आपने लागू किया कि भारतीय बने और भारतीय वस्तुओं का ही प्रयोग करें, तो भारत की ये सब समस्याओं का समाधान होता है, और भारत बहुत जल्दी सुखी, समृद्धशाली, स्वावलंबी देश बनता है, स्वाभिमानी देश बनता है। ये भारत देश को ऐसा बनाना, इसके लिए प्रयास करना, इसी में मैं लगा हुआ हूँ, आप भी इसमें लगे, हम सब मिलकर देश को स्वावलंबी बनाए, समृद्धशाली बनाए। इसी अपेक्षा के साथ आपका बहुत आभार, धन्यवाद। और जो कुछ मैंने कहा वो आप दूसरों को कहें, और इस विषय पर ज्यादा कुछ जानना हो, सुनना हो, तो मैंने कुछ ऑडियो सीडी बनाई है, वीडियो सीडी बनाई है। ऑडियो सीडी 40 घंटे की है, वीडियो सीडी 6-7 घंटे की है, वो यहाँ कोने में एक भाई है उसके पास है, आप चाहें तो लें। इस किसी भी सीडी पर मेरा कॉपीराइट नहीं है, सबको कॉपी करने का कंप्लीट राइट है। आप सीडी की 1000 कॉपियां बनाएं, गांव-गांव बांटें, मुझे खुशी होगी, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी से ये विचार गांव-गांव फैलेंगे तो ये देश सच में तरक्की करेगा।